हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। सो जल्दी से बेटा एक बार चेक कर लीजिए, माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ऑडियो वीडियो क्लियरिटी है सभी को? चेक इट वंस। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार चेक कर लेंगे। सो विल स्टार्ट द सेशन, लोग सेशन को शुरू करें। ओके, चलिए, गुड, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को जो बैचेस ऑलरेडी ऑन गोइंग बैचेस हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, और उसी के साथ में जो स्पेशल क्लासेस में मैंने आप लोगों को कहा था कि स्पेशल क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री है और उन क्लासेस का जो टाइमिंग है वो मैं आप लोग को बताने वाला था, तो वो भी मैं अनाउंस कर देता हूँ। देन विल स्टार्ट दी मैराथन और फिर हम डीबीएमएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो 18th of January मतलब कि कल से आप लोगों की न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, उड़ान और बुनियाद फॉर द 2024 and 25। जो सब्जेक्ट शुरू होगा मॉर्निंग 8:30 से, दैट इज द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो 5 PM पे स्टार्ट होने वाला है। आपको सिंपली सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कुछ नहीं करना है, टारगेट एग्जाम सिलेक्ट करनी है गेट, उसमें गोल सिलेक्ट करना है गेट CS एंड IT, और अनलॉक करना है GA1111 कोड अप्लाई करने के साथ में, ठीक है। जैसे आप लोग कोड अप्लाई करेंगे तो आपको गेट एकेडमी की कंप्लीट टीम का गाइडेंस मिलेगा, और ये गेट एकेडमी एंड एकेडमी की जो फैकल्टीज है CSIT की, इन फैकल्टीज से आप लोगों को प्लस क्लास में पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि अगर आप आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप जो भी प्लान चूज करेंगे उसमें आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा फ्री प्लान अप मिलेगा फॉर योर प्रिपरेशन, और सिंपली यू नीड टू अप्लाई दिस कोड। ये कोड जब आप अप्लाई करते हो तो करस्पॉन्डिंगली जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होके आपको सिर्फ इतना ही पे करना रहेगा। इफ यू वॉन्ट टू गो विद द प्रतिज्ञा बैच, तो प्रतिज्ञा बैच बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अभी मिल रहा है आप लोगों को। 15 मंथ प्लान इज देयर एंड 30 मंथ प्लान इज देयर, यू कैन चूज द प्लान अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 15 मंथ बेस्ट है, अगर आप 25 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 30 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो बेस्ट है। आपको सिंपली GA1111 कोड अप्लाई करना है ताकि आप इस स्पेसिफिक प्राइस वैल्यू के ऊपर आप इस कोर्स में सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये CSIT का टीम रहेगा प्रतिज्ञा बैच के लिए, जो प्रतिज्ञा बैच में आप लोगों को पढ़ाएगा, तो सारे सब्जेक्ट्स इस टीम के थ्रू कवर अप होंगे, ओके। और इसके अलावा अगर आप लोग सेल्फ स्टडी मोड में जाना चाहते हैं, मतलब खुद से पढ़ाई करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस जो प्री रिकॉर्डेड सेशंस है अगर आप उनको परचेस करना चाहते हैं तो देयर इज अ रुद्रा रिकॉर्डेड कोर्सेज, ये कंप्लीट इंग्लिश में। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो सेल्फ स्टडी में इंग्लिश रिकॉर्डेड कोर्सेज गेट अकेडमी के थ्रू भी है और इंग्लिश कोर्सेज भी वहां पर अवेलेबल है, तो यू कैन चूज एनी ऑफ दिस कोर्स अकॉर्डिंग टू दी नीड। इसके अलावा अर्जुना बैच के जो रिकॉर्डेड सेशंस है, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है, तो जी ड्राइव फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, पेन ड्राइव फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। अगर आप जी ड्राइव के साथ जाना चाहते हैं देन यू कैन सिंपली अप्लाई, यू कैन सिंपली यूज द कोड दैट इज GA1111, और आप इस प्राइस वैल्यू पे इंक्लूडिंग GST इस कोर्स को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आप लोगों को अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो अगर आप चाहते हैं कि एज अ स्कॉलरशिप आपको फ्री में मिल जाए, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए आपको नेक्स्ट 22nd को जो टेस्ट होगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट उसमें अपीयर होना है। अगर आप टॉप रैंकर्स रहेंगे तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है, ठीक है। तो जो भी बच्चे टेस्ट देंगे 22 और 29, सिंपली आपको GA1111 कोड को अप्लाई करना है, ठीक है, उस टेस्ट के अंदर एनरोल होने के लिए। चलिए इसी के साथ में मैं एक स्पेशल क्लास का अनाउंसमेंट भी आप लोगों को कर देता हूं। कल मॉर्निंग से मैं न्यू सब्जेक्ट स्पेशल क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं, टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग 7 AM टू 8:30 AM इन मॉर्निंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्पेशल क्लास इन विच आई एम गोइंग टू कंप्लीट, आई एम गोइंग टू डू द रिविजन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, है ना। तो डेटा स्ट्रक्चर का रिविजन मैं आप लोगों को वहां पे कराने वाला हूं, तो कंप्लीट रिविजन डेटा स्ट्रक्चर का होगा। कल से टाइमिंग है मॉर्निंग 7 AM टू 8:30 AM, तो सारे बच्चे मॉर्निंग में आ जाएंगे इस क्लास में, ठीक है। मॉर्निंग 7 टू 8:30, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
तो आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करके नोटिफाई मी बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जैसे मॉर्निंग में क्लास स्टार्ट होगा आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये जो सेशन हम लोग का चल रहा है, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के थ्रू आप इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके नोटिफाई मी बटन जरूर प्रेस कर देना ताकि मॉर्निंग में आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए। कल फर्स्ट क्लास है, डेटा स्ट्रक्चर का रिविजन हम लोग इस क्लास में शुरू करेंगे और कल से ये क्लासेस रेगुलर आप लोगों की फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये अनाउंसमेंट मेरे को आप लोगों को करना था। यस ललित, मॉर्निंग क्लास स्टार्ट कर दिए बेटा, आप जो लिख रहे थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, तो मॉर्निंग क्लास तो शुरू कर दिए, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए हम लोग स्विच करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसक्यूएल के क्वेश्चंस के साथ, स्ट्रक्चर क्वारी लैंग्वेज के क्वेश्चंस के साथ। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे सेशन के अंदर। तो आप देख सकते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन में आप लोग को बता देता हूं कि एग्जैक्टली क्या है। आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है, देयर इज अनदर टेबल दैट इज द परफॉर्मेंस टेबल। स्टूडेंट टेबल में एट्रीब्यूट से रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एक परफॉर्मेंस टेबल में तीन एट्रीब्यूट है, और आपके पास जो क्वारी दी हुई है, यस दैट वुड बी द क्वारी, ये क्वारी दिया हुआ है। आपसे पूछा है द नंबर ऑफ रोज रिटर्न बाय द एसक्यूएल क्वारी, ये क्वारी आपको कितनी नंबर ऑफ रोज रिटर्न करेगा। ये 2019 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ रोज कितनी रिटर्न हो रही है ये बताना है। तो आपको मैं कुछ इस तरीके से, यस नाउ द कंप्लीट क्वेश्चन इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू, है ना। इस टेबल का नेम है स्टूडेंट, आई एम राइटिंग द नेम ऑफ टेबल हियर। चलिए नाउ आफ्टर ट्राई इट एंड टेल मी की व्हाट इज द नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ टपल्स रिटन बाय दिस पर्टिकुलर एसक्यूएल क्वेरी। सो करिए इसे और बताइए क्या होगा इसका आंसर। अंकित सिंह, यस बेटा आई एम ट्राइंग टू फिनिश ऑल द पीवाईक्यूज बाय टुडे, है ना। आज सारे पीवाईक्यूज हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर सभी बच्चे साथ रहेंगे तो डेफिनेटली हम इसको खत्म कर लेंगे आज, ठीक है। तो एसक्यूएल हम लोग को करना है ना, एसक्यूएल इंपॉर्टेंट है, रिलेशनल एल्जेब्रा के क्वेश्चंस करने हैं, एसक्यूएल के करने हैं, ईआर डायग्राम है और इंडेक्सिंग है। Try this question. नॉर्मलाइजेशन एंड ट्रांजेक्शन एंड सीरियलाइजेबिलिटी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था बेटा। क्या आ रहा है आपका? 5 आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी, विल वेरीफाई। आपको क्या दिया है? सिलेक्ट एस डॉट स्टूडेंट नेम कॉमा सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा परफॉर्मेंस वेयर पी डॉट मार्क्स इज ग्रेटर देन 84 ग्रुप बाय स्टूडेंट नेम। अब एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एसक्यूएल क्वारी को एग्जीक्यूट आप लोग करते हैं तो आपको ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पता होने से क्या होता है कि उसका रिजल्ट निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहली चीज है, यू शुड रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो सबसे फर्स्ट देखिए, सबसे फर्स्ट हम लोग फ्रॉम क्लॉज को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम मतलब कहां से, हम किस टेबल पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वी नीड टू गो टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। तो फ्रॉम पे जाते हैं सबसे पहले, फ्रॉम के बाद फिर हम लोग वेयर कंडीशन को सॉल्व करते हैं। आफ्टर सॉल्विंग द वेयर कंडीशन फिर हम लोग अप्लाई करते हैं इफ देर इज एनी ग्रुप बाय, तो ग्रुप बाय करते हैं। ग्रुप बाय के बाद इफ देर इज एनी हैविंग इन द क्वेरी देन वी नीड टू गो टू द हैविंग।
और हैविंग के बाद में एट द लास्ट व्हाट विल बी द डेटा दैट वी वांट टू सिलेक्ट। तो देखिए जैसे ही हम लोग फ्रॉम के पास जाते हैं तो फ्रॉम में क्या होता है, फ्रॉम में क्या होता है, आप यहां पे गए फ्रॉम, अब फ्रॉम में दो टेबल्स लिखी हुई है स्टूडेंट और परफॉर्मेंस, तो इन दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म होगा, ठीक है। हाउ मेनी रोज आर देयर, 5 रोज आर देयर, एंड हाउ मेनी रोज आर देयर, 6 रोज आर देयर, तो 5 × 6 द नंबर ऑफ रोज आर 30, तो आपको 30 रोज मिलेगी पहली कंडीशन फ्रॉम से, ठीक है। अब सेकंड फिर हम फ्रॉम पे गए, फ्रॉम पे हमें टोटल 30 रोज मिली, मतलब इसका फर्स्ट रो इसकी सारी रो से कनेक्ट होगा, सेकंड कनेक्टेड विथ ऑल एंड सो ऑन, तो टोटल नंबर ऑफ रोज आर 30। अब उसके बाद वेयर क्या करता है, नंबर ऑफ रोज की फिल्टरिंग करता है, मतलब ये सिर्फ उन्हीं रोज को लेके चलता है जो वेयर कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, जो वेयर कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो वेयर क्या दिया है आपको, जहां पे पी डॉट मार्क्स ग्रेटर देन 84 हो, तो आप देखिए ये जो रो है ये 84 से ग्रेटर वाली है, ये 84 से ग्रेटर वाली, ये भी ग्रेटर वाली है, ये भी ग्रेटर वाली है, लास्ट वाली 84 से ग्रेटर वाली नहीं है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जो रो है ये कार्टेशियन में इन सभी रो से कनेक्ट हुआ होगा, मतलब 5 रोज में 84 वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। तो व्हाट वी वांट, तो ये पी डॉट मार्क्स से वो 5 रोज आपकी आउट हो जाएगी, तो 30 में से 5 माइनस किया तो कितनी रोज बची, 25 रोज अब बची आपके पास में, ठीक है। मतलब दिस 5 रोज कनेक्टेड विद द अबव 5 रो एक्सेप्ट द लास्ट रो, बिकॉज वहां पे वैल्यू 84 से लेस था, मार्क्स 84 से लेस था, अगर मार्क्स 84 से लेस था तो वो ऊपर वाली रोज से कनेक्ट कर देगा। सो दिस 5 रो इज कनेक्टेड विद दिस 5 रोज, सो व्हाट वी कैन से, योर आंसर इज 25 आफ्टर वेयर, तो 25 रोज आपको मिल रही है। अब उसके बाद थर्ड आपको ग्रुप बाय दिया हुआ है, ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है कि आप कितने इन 25 रोज को कितने ग्रुप्स में आप डिवाइड कर रहे हो, तो ग्रुप बाय किसके ऊपर किया हुआ है, स्टूडेंट नेम के ऊपर किया हुआ है। तो आप देख लीजिए अमित, प्रिया, विनित, रोहन, स्मिता, इसमें सारे नेम डिस्टिंक्ट है, तो अमित जो है वो ये फर्स्ट 5 रो से कनेक्ट होगा, प्रिया भी फर्स्ट 5 रो से, रोहन भी, विनित भी, स्मिता भी, तो व्हाट वी कैन से, ये जो 25 रोज है ये 5 ग्रुप्स में चेंज हो जाएंगी, 5 ग्रुप्स में चेंज हो गई। अब उसमें कोई हैविंग कंडीशन है क्या, नहीं है। फिर आप कहां पे गए, सिलेक्ट, तो अब आपको स्टूडेंट नेम और उनके करस्पॉन्डिंग उनके मार्क्स का सम सिलेक्ट करना है, तो कितने स्टूडेंट नेम सिलेक्ट होंगे, जितने ग्रुप्स है, कितने ग्रुप्स है, 5 ग्रुप्स है, देन योर आंसर इज 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। अगर यहां पे नेम रिपीटेड होते, सपोज यहां पे फर्स्ट भी अमित होता और सेकंड भी अमित होता, देन योर आंसर बिकम 4, क्योंकि इसकी 5 रोज और इसकी 5 रोज, वो टोटल 10 रो का एक ग्रुप बन जाता, ठीक है। यहां पे सारे नेम डिस्टिंक्ट थे इसलिए 5 ग्रुप्स बने आपके। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी कैन गो विद ऑप्शन डी, 5 इज योर आंसर, गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं, एंड यू कैन सी हियर क्वेश्चन। देखिए जनरली एसक्यूएल के क्वेश्चन थोड़े लेंदी आते हैं, बट इससे घबराना नहीं है, क्योंकि जितना लेंदी क्वेश्चन होगा मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, यू नीड टू सिंपली एग्जीक्यूट द क्वारी एंड यू नीड टू फाइंड द आंसर, ठीक है। सो आप यहां पे क्वारी देखिए सबसे पहले, तो क्वारी क्या दिया हुआ है आपको, यहां पर एक आउटर क्वारी दी हुई है और उसके करस्पॉन्डिंग इनर क्वारी दी हुई है। जब भी इनर क्वारी का कॉन्सेप्ट हो तो आपको दो चीजें यहां पे ध्यान रखनी है, पहला तो नॉर्मल सब क्वारी है या कोरिलेटेड है, कोरिलेटेड होगी तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अलग होगा, नॉर्मल सब क्वारी होगा तो उसका एग्जीक्यूशन अलग होगा। सबसे पहले इनर क्वारी सॉल्व होती है, फिर उस पर जो रिजल्ट आता है उस पर आउटर क्वारी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको पहले क्वारी पे फोकस करना है कि क्वारी आपको किस टाइप का दिया हुआ है, वो देखने के बाद फिर हमें यहां पर 3 टेबल्स दी हुई है। क्वेश्चन में पूछा है द नंबर ऑफ रो रिटर्न बाय द एसक्यूएल क्वारी, चलिए तो मैं एसक्यूएल क्वारी को फिर से लिख देता हूं यहां पे। आप देख लीजिए देयर इज वन टेबल दैट इज द कैटलॉग टेबल, तो ये आपका कैटलॉग टेबल है, ओके। नाउ विल राइट द क्वारी हियर, सिलेक्ट एस डॉट एस नंबर कॉमा एस डॉट नेम फ्रॉम सप्लायर एस कॉमा
कैटलॉग सी वेयर एस डॉट एस नंबर इज इक्वल्स टू सी डॉट एस नंबर एंड कॉस्ट इज ग्रेटर देन चलिए ट्राई दिस इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है ये थ्री टेबल्स आप लोग को दी हुई है यू नीड टू चेक दैट हाउ मेनी रोज रिटन बाय दिस पर्टिकुलर क्वेरी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन सबसे पहले इनर क्वेरी सॉल्व करेंगे अगर इनर क्वेरी में भी फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय है तो उसी ऑर्डर में सॉल्व करोगे और फिर उसके रिजल्ट पे आउटर को सॉल्व करोगे सो ट्राई इट एंड बताइए राइट एंड टेल मी क्या होगा इसका आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन जो भी आपका आंसर आ रहा है एक बार रिप्लाई जरूर करें देन विल वेरीफाई कितना आ रहा है फोर ओके चलिए लेट्स सी हियर आपको सबसे पहले यहां पे क्या दिया है सिलेक्ट एवरेज कॉस्ट फ्रॉम कैटेलॉग वेयर पी नंबर इक्वल टू पी फोर ग्रुप बाय पी नंबर तो एवरेज कॉस्ट फ्रॉम कैटेलॉग आपको निकालना है तो सबसे पहले कैटेलॉग टेबल पे गए दैट वुड बी द कैटेलॉग टेबल वेयर पी नंबर इज पी फोर तो पी फोर एक इधर है और एक इधर है ये दो रोज है पी फोर के साथ में सो इनका ग्रुपिंग किया मतलब एक ग्रुप बन गया और उसका एवरेज निकाल दिया तो फर्स्ट वैल्यू कितना है 200 और ये वैल्यू कितना है 250 तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 225 अब जो आउटर क्वेरी हो क्या दे रहा है सिलेक्ट एस नंबर एस नेम फ्रॉम दी सप्लायर कॉमा कैटेलॉग वेर एस डॉट एस नंबर इज इक्वल टू सी डॉट एस नंबर एंड कॉस्ट इज ग्रेटर देन दिस तो चलिए इसका जो सप्लायर नंबर है एस वन वो इधर इक्वल होना चाहिए सो यस दिस एस वन इज इक्वल टू एस वन इसकी चेक कर लेंगे क्या कॉस्ट ग्रेटर देन 225 है नहीं है तो ये रो से रिटर्न नहीं होगी फिर आपने इस एस वन को चेक किया इज इक्वल टू एस वन बट कॉस्ट 50 है ये भी रिटर्न नहीं होगा ये भी रिटर्न नहीं होगा ये भी नहीं होगा यहां देखिए 250 है 250 is greater than 225 yes और S2 इसमें belong करता है ये row return हो जाएगी similarly ये भी 250 है ये row भी return हो जाएगी क्योंकि S3 भी यहाँ पे belong कर रहा है फिर 150 greater than 225 है क्या नहीं 300 है greater yes and 250 है greater yes so what we can say total this four rows are going to return तो इन four rows के corresponding S number और S name आपको वहाँ पे मिल जाएगा so what we can say your answer is 4 तो फोर रोज आप लोगों को यहां पे मिलेंगे तो सबसे पहले आपको इनर क्वारी एग्जीक्यूट करना था उससे एवरेज कॉस्ट निकालनी थी फिर आउटर क्वारी की जो कॉस्ट है वो ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होनी चाहिए तो वो हमने फाइंड आउट किया ठीक है तो समहाउ इट इज आल्सो अ सिंपल क्वेश्चन नाउ कैन सी क्वेश्चन नंबर थ्री
गेट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, ट्राई टू आइडेंटिफाई विच ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड टेबल क्यों दिया, उसका यूज नहीं है, बिल्कुल यूज नहीं है। तो आपको तो क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो क्वेरी में जितनी टेबल्स की रिक्वायरमेंट है बस उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उस स्पेसिफिक एसक्यूएल क्वेरी को रन करने के लिए सिर्फ दो ही टेबल की नीड थी, हमने दो ही टेबल यूज की, ठीक है। तो समटाइम वो कुछ डेटा आपको दे सकते हैं या फिर कोई और कॉमन डेटा क्वेश्चन पूछने के लिए उस टेबल को दिया जा सकता है, बट अल्टीमेटली हमें फोकस सिर्फ उन्हीं टेबल पे करना है जिनका रिक्वायरमेंट या जिनका यूज एसक्यूएल क्वेरी के अंदर हो रहा है। चलिए इसको ट्राई करिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है, ओके, लेट्स सी। सो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, फर्स्ट क्वेरी में आप इनर जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो ऑन दिस कंडीशन, सेकंड में लेफ्ट आउटर जॉइन परफॉर्म कर रहे हो ओवर द सेम कंडीशन, थर्ड में राइट आउटर जॉइन परफॉर्म कर रहे हो ओवर द सेम कंडीशन, फोर्थ में फुल आउटर जॉइन परफॉर्म कर रहे हो ओवर द सेम कंडीशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहली चीज इनर ज्वाइन क्या करेगा, ये कंडीशन जिन भी टपल्स के लिए मैच होगी वो डेटा प्रिंट कर देगा, सो इट गिव्स यू मैच्ड रो। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करेगा, मैच्ड रो तो देगा प्लस अनमैच्ड रो ऑफ लेफ्ट टेबल भी देगा आपको, सो अनमैच्ड रो ऑफ लेफ्ट टेबल भी आपको मिल जाएगी। फिर राइट आउटर ज्वाइन क्या करेगा, मैच्ड रो तो प्रिंट करेगा प्लस अनमैच्ड रो ऑफ राइट टेबल भी आपको दे देगा, और फुल आउटर जॉइन गिव्स यू मैच्ड रो प्लस अनमैच्ड रो ऑफ राइट टेबल एज वेल एज अनमैच्ड रो ऑफ लेफ्ट टेबल। आपसे पूछा है कि कौन सा सुपर सेट है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वारी, सेकंड क्वारी, थर्ड क्वारी, इन तीनों क्वारीज का जो रिजल्ट है वो फोर्थ क्वारी के अंदर आपको मिलेगा, क्योंकि फुल आउटर जॉइन गिव्स यू द मैच्ड रो मतलब इनर जॉइन का रिजल्ट, अनमैच्ड रो ऑफ लेफ्ट टेबल मतलब आउटर जॉइन का भी रिजल्ट, और अनमैच्ड रो ऑफ राइट टेबल मतलब की राइट आउटर जॉइन का भी रिजल्ट, तो सारे ही रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सिंपली वी कैन गो विद ऑप्शन डी। नाउ आई कैन सी हियर द क्वेश्चन नंबर 4, गेट 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। हियर यू नीड टू सिंपली आइडेंटिफाई व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर एसक्यूएल क्वेरी ओवर दिस पर्टिकुलर टेबल, सो ट्राई इट एंड टेल मी कि क्या होगा इसका आंसर। बेटा उसमें अंकित सिंह, बेटा उसमें जॉइन लगा है ना, तो फ्रॉम बुक बी फिर इनर जॉइन स्टॉक एस लिखा हुआ है, स्टॉक एस नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। तो बुक बी और स्टॉक एस लिखेगा तो कार्टिशियन प्रोडक्ट हो गया, उसको कार्टिशियन थोड़ी कराना, उसको इनर जॉइन कराना है, तो दोनों टेबल्स के बीच में इनर जॉइन लिखा था वहां पे, ठीक है, तो वो ध्यान रखें आप। चलिए ट्राई करिए, व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
कितना आ रहा है 2.6. ओके लेट्स सी, वेरीफाई कर लेते हैं कि 2.6 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है. तो देखिए आपको यहां पे क्वारी क्या दिया है, सिलेक्ट एवरेज इन ब्रैकेट ईसी डॉट नम, मतलब ईसी टेबल से नंबर हमें सिलेक्ट करना है. बट ईसी टेबल तो नहीं, यहां पे एम्प्लॉय टेबल है. तो हम देखते हैं वह डिपार्टमेंट नंबर कॉमा नंबर इन. अब ये जो इनर क्वारी है, विद द हेल्प ऑफ दिस इनर क्वारी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिजाइनिंग द वर्चुअल ईसी टेबल. सो सिलेक्टेड डिपार्टमेंट नेम कॉमा काउंट एम्प्लॉय आईडी एज ईसी. वेर डिपार्टमेंट नेम कॉमा नंबर, डिपार्टमेंट नेम कॉमा नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम. ठीक है, यह हमें दिया हुआ है. तो अब आप देखिए यहां पे व्हाट वी कैन सी, डिपार्टमेंट ए ए इज देयर. अब इसमें हमें ग्रुपिंग करनी है ना, तो एक ए का ग्रुप बना, एक ए बी का ग्रुप बनेगा, एक एसी का ग्रुप होगा, एक एडी का ग्रुप होगा और एक एई का ग्रुप होगा. ठीक है, AA में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, तो उसको काउंट कर लेगा 4. यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, यहां 2 है और यहां 1 है. ना इस पे आउटर क्वारी को हम लोग को रन करना है. आउटर क्वारी क्या कह रही है, एवरेज ऑफ ईसी डॉट नम निकाल दीजिए. तो इसका एवरेज अगर हम लोग कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो कितना आ रहा है, 4+3+3+2+1. ऑन टेकिंग एडिशन ऑफ दिस 3 to 5, डिवाइड करना है हमें किससे बेटा, 5 से. तो जब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका, 2.6 इज योर एवरेज वैल्यू. 2.6 इज योर एवरेज वैल्यू, गॉट इट. चलिए लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5. ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 2017 में ही ये क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन भी 2017 में आया था, ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा था एसक्यूएल से. ठीक है, तो ट्राई करिए और बताइए कि क्या होगा इसका आंसर. बेटा एसक्यूएल से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 to 4 मार्क्स के आने के चांसेस है. मिनिमम 2 नंबर का तो आता ही है और 4 मार्क्स तक का भी आ सकता है ना. तो 2 to 4 मान के चलिए आप लोग, 2 to 4. ओके,
चलिए क्या आंसर आ रहा है, 7। ओके ई, ठीक है देख लेते हैं। सो देखिए यहां पे आपके पास दो क्वारीज दी हुई है, सिलेक्ट टीए डॉट प्लेयर्स फ्रॉम टॉप स्कोरर एस टी ए वेयर टीए डॉट गोल इज ग्रेटर देन ऑल एंड देयर इज वन इनर क्वारी एंड टीए डॉट गोल इज ग्रेटर देन एनी देयर इज अनादर इनर क्वारी। तो एक तो ग्रेटर देन ऑल एंड ग्रेटर देन एनी, ये दो रिजल्ट हमें चाहिए तब जाके हम आउटर क्वारी के रिजल्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इन दोनों के जो रिजल्ट आ रहे सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। तो इस इनर क्वारी में देखें तो क्या लिखा है, सिलेक्ट टीबी डॉट गोल्स फ्रॉम टॉप स्कोरर एज ए टीबी वेयर टीबी डॉट कंट्रीज स्पेन। तो आपको सबसे पहले स्पेन के गोल देख लेने कि स्पेन के कितने गोल्स है, तो आप देख सकते हैं स्पेन है ही नहीं यहां पर, तो स्पेन के नंबर ऑफ गोल्स कुछ भी नहीं रहेंगे। तो व्हाट वी कैन से, दिस क्वारी गिव्स यू रिजल्ट नल। तो इनसाइड दिस नल है। अब यहां जो एक और इनर क्वारी दी है, सिलेक्ट टीसी डॉट गोल्स फ्रॉम टॉप स्कोरर एज अ टीसी वेयर टीसी डॉट कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी। तो यहां जर्मनी के गोल देख लीजिए, तो 16, 14, 11, 10 and 10। सो 16, 14, 11, 10 and 10। ठीक है, ये आपको दिए 16, 14, 11, 10 and 10। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है टीए डॉट प्लेयर्स फ्रॉम टॉप स्कोरर एज ए टीए वेयर टीए डॉट गोल इज ग्रेटर देन ऑल। अब देखिए यहां तो नल है, तो ग्रेटर देन ऑल एंड देयर इज नथिंग, मतलब वो तो सबको सिलेक्ट करेगा, तो इस स्पेसिफिक कंडीशन से तो सबको सिलेक्ट हो रहा है। सो नाउ वी नीड टू चेक द सेकंड कंडीशन, क्योंकि एंड लगा हुआ है ना। तो एनी क्या करता है, एनी का मतलब क्या होता है, एनी के अंदर जो भी ग्रुप पे आपने वैल्यूज दी हुई है उनमें से किसी भी एक से ग्रेटर अगर होता है तो आपको रिजल्ट प्रिंट कर देना है। तो किसी भी एक से ग्रेटर मतलब कि 10 से ग्रेटर, क्योंकि अगर 10 से ग्रेटर होगा तो 11 से भी ग्रेटर है वो, 14 से भी ग्रेटर है वो, 16 से भी ग्रेटर है, तो आप कोई भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो व्हाट वी कैन से, अब 10 से ग्रेटर गोल्स कौन से, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। अब ये सारे गोल्स जो है वो 10 से ग्रेटर नहीं है, तो इनमें से किसी भी एक से ग्रेटर होना मस्ट है। तो व्हाट वी कैन से, हमारी फर्स्ट 7 रोज यहां पर सिलेक्ट हो जाएगी एंड वी कैन गो विद ऑप्शन ए। तो बिल्कुल ए आपका रिजल्ट होगा इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 6, ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस। यहां पे विथ क्लॉज यूज किया हुआ है, विथ क्लॉज हम लोग जनरली यूज करते हैं वर्चुअल टेबल क्रिएशन के लिए ही, ठीक है। तो टेम्पररी टेबल को ये क्या करता है, क्रिएट करता है। तो ट्राई करिए और बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। सो आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट और है कि कल इवनिंग से, मतलब कल 8 PM से टुमारो 8 PM वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। टीओसी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में शुरू करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन फ्रॉम टुमारो 8 PM, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर। तो आप सभी लोग सेशन को जरूर अटेंड करें, ओके। चलिए, सो डेफिनेटली विल डू द टीओसी क्वेश्चंस फ्रॉम टुमारो, है ना, कल से हम लोग करेंगे इसको। तो कल 18th को देखिए बहुत सारी नई चीजें शुरू हो रही है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन पे 2 बैचेस स्टार्ट हो रही है, है ना, उड़ान बैच में और बुनियाद बैच में। उसी के साथ मेरी स्पेशल क्लास में मैं मॉर्निंग में कल
डेटा स्ट्रक्चर का रिविजन शुरू करने वाला हूं सुबह 7 बजे, तो वो एक इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ इवनिंग 8 PM पे मैं यहाँ पे TOC के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने वाला हूँ YouTube के ऊपर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। यस ललित, कंपाइलर डिजाइन का भी वीडियो बेटा बिल्कुल आपने देखा होगा, क्योंकि मैं उसको भी लिया हूं इसलिए देखा होगा आपने। सो अभी आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर TOC शुरू करो, सो इसलिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट TOC फ्रॉम टुमारो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है बताइए, व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस डियर, आप एल्गोरिथम का क्रेश कोर्स प्लस से बिल्कुल कर सकते हैं, सारी चीजें वहां पे की हुई है, कवर किया हुआ है, डेफिनेटली यू कैन सी, है ना, काफी अच्छे से वहां पे बताया भी है, तो आप बिल्कुल क्रेश कोर्स कर सकते हो प्लस का। चलिए क्या आ रहा है, वेलकम डियर वेलकम। देखिए मैं PYQs करना तो जरूरी है, मैराथन में करना जरूरी है ऐसा कुछ नहीं है, बट आपने अगर PYQ सारे कर लिए हैं तो इट वुड बी गुड, वो बहुत अच्छी बात है। अगर PYQs नहीं किए हैं तो मैराथन के थ्रू सिर्फ ये बेनिफिट होगा कि एक सिंगल सिटिंग में आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। होता क्या है, जब क्लास चलती है तो एक डिसिप्लिन रहता है, ठीक है, रिकॉर्डेड तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है, फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद मैं करूं ना करूं वाली बात है, तो आप क्रेश कोर्स वहां से कंप्लीट कर लो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस मेरे को करने हैं या मेरे को रिवाइज करने हैं, उसके लिए आप खुद से करोगे, तो उससे बेटर है कि मैराथन के थ्रू सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लो, दैट वुड बी वन ऑफ द वे, एक तरीका होता है वो करने का, ठीक है, तो इसलिए करवाया जाता है वो, तो वो कर सकते हो आप, है ना। तो आप एक बार क्रेश कोर्स तो कर ही लो, क्योंकि वैसे भी अभी जो हम लोग DBA एल्गो का मैराथन या आगे के जो भी मैराथन होंगे वो अपकमिंग सैटरडे संडेज में होंगे, तो अभी रेगुलर में अभी कोई फिलहाल लेटेस्ट में अभी कोई मैराथन नहीं आ रहा है, अगले संडे को जरूर एक मैराथन में लूंगा, फिर उसके बाद संडे को मैराथन में लूंगा, सैटरडे संडे में लूंगा, तो आपके पास अभी काफी टाइम है, तो आप चीजें रिवाइज करते जाइए तो इट वुड बी गुड, है ना, रिवाइज कर ले और फिर क्वेश्चंस कर ले, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस से दोनों चीजें चल ले दो साथ ही साथ। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग स्विच करते हैं, तो सबसे पहले आपको दिया है विथ टोटल, तो टोटल आपको एक टेबल दिया बनाना है, ठीक है, दैट इज द टेम्परेरी टेबल, इस टेम्परेरी टेबल का एट्रीब्यूट आपके पास देख सकते हैं, दो एट्रीब्यूट है, एक है नेम और दूसरा है कैपेसिटी। अभी टेबल क्रिएशन के लिए जो डेफिनेशन ली हुई है उन्होंने वो क्या लिया हुआ है आप देख सकते हो, एज सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट नेम कॉमा सम कैपेसिटी फ्रॉम वाटर स्कीम ग्रुप बाय डिस्ट्रिक्ट नेम, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट नेम है इनकी ग्रुपिंग करनी है सबसे पहले, तो एक ग्रुप बन जाएगा आपका बेटा अजमेर का, एक ग्रुप हो जाएगा बीकानेर, एक ग्रुप हो जाएगा आपका चूरू, एंड द लास्ट ग्रुप इज, एक और ग्रुप है आपका डूंगरगढ़, ठीक है। कैपेसिटी की अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो आप देख सकते हैं कि अजमेर का कैपेसिटी कितना है 20, सम कैपेसिटी लेना है, बीकानेर की टोटल कैपेसिटी का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, चूरू का कैपेसिटी सम हो जाएगा 30 और डूंगरगढ़ का कैपेसिटी सम हो जाएगा 10। फिर विथ के साथ एक टेबल और फॉर्मेशन हो रहा है, टोटल एवरेज कैपेसिटी, टोटल एवरेज, एंड इन विच There is one attribute that is capacity, ठीक है, ये capacity बना, ये कैसे बन रहा है, as a select average capacity from total, तो इस total से average capacity हमें select करनी है, तो इसका average कितना हुआ, addition of this all 100 by 4 25, so 25 यहां पे ले लिया हमने। अब उसके बाद एक query आपको दी हुई है,
जस्ट रीड आउट दिस क्वारी. सिलेक्ट नेम फ्रॉम टोटल कॉमा टोटल एवरेज. सिलेक्ट नेम फ्रॉम टोटल कॉमा टोटल एवरेज वेयर टोटल डॉट कैपेसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल डॉट एवरेज कैपेसिटी. तो आप यहां पे देखिए, क्या 20 ग्रेटर देन 25 है? नहीं. 40 ग्रेटर है? यस. 30 ग्रेटर है? यस. सो 40 एंड 30 इज ग्रेटर देन 25. तो ये दोनों आपके रिजल्ट में आ जाएगा. तो आपसे पूछा था नंबर ऑफ रोज रिटन बाय 10, देन यू कैन गो विथ ऑप्शन ए. ए इज योर आंसर. ए इज योर आंसर. गॉट इट? सो टू रोज आएंगी, टू रोज आएंगी, बिल्कुल 40 30. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई करिए इसका आंसर क्या आएगा. सिलेक्ट ऑपरेशन इन एसक्यूएल इज इक्विवेलेंट टू व्हाट. सिलेक्ट ऑपरेशन इन एसक्यूएल इज इक्विवेलेंट टू व्हाट. काफी सिंपल क्वेश्चन है. पूछा है कि सिलेक्ट ऑपरेशन जो हम एसक्यूएल में यूज करते हैं वो इनमें से किसके इक्विवेलेंट होता है. तो आप क्या लिखेंगे? सिंपली इट इज इक्विवेलेंट टू द प्रोजेक्शन ऑपरेशन इन द रिलेशनल अलजेब्रा. बस सिलेक्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं? रिटेन करते हैं. यहां पर रिलेशनल अलजेब्रा में डुप्लीकेट वैल्यूज जो होती है वो एलिमिनेट हो जाती है. ओके, लेट्स ट्राई द क्वेश्चन नंबर 8. 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा था. बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए. चलिए क्या आ रहा है? ऑप्शन ए, टू रूस. ठीक है. अब देखिए यहां सिंपली इस क्वेश्चन में आपके पास दो टेबल दिए, एक स्टूडेंट टेबल है और एक परफॉर्मेंस टेबल है. आपको अगेन सबसे पहले वेयर कंडीशन पे जाना है, स्टूडेंट कॉमा परफॉर्मेंस. तो यहां पे कितनी टपल्स है? 3. और यहां पे कितनी टपल्स है? 6. सो 3 × 6 टोटल नंबर ऑफ टपल्स आपके पास कितनी हो जाएंगी यहां पे बेटा? 18 हो जाएगी. फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जहां पे रोल नंबर इक्वल है हमें वो चेक करनी है. ठीक है, तो ये 1 जो है वो इन 2 के इक्वल है, तो 2 रोज ये सिलेक्ट होगी.
फिर जो ये टू है वो यहाँ इक्वल है और उसके साथ यहाँ पे इक्वल है, तो टू रो ये सिलेक्ट होगी और थ्री जो है वो यहाँ इक्वल है और यहाँ इक्वल है। तो अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ रोज आफ्टर दी वेयर कंडीशन आपको मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी रोज मिलेंगी, सिक्स रोज। अब उन सिक्स रोज पे आपको ग्रुपिंग करनी है बाय द स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम आपके पास एक राज है, एक रोहित है और एक राज है, तो राज तो दोनों सेम है, तो ये दोनों राज का एक सिंगल ग्रुप बन जाएगा और एक ग्रुप रोहित का, तो दो ग्रुप बनेंगे, एक राज का और एक रोहित का। तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा एक राज के करस्पॉन्डिंग मार्क्स का सम आएगा, एक रोहित के करस्पॉन्डिंग मार्क्स का सम आएगा। सो यू कैन गो विथ ऑप्शन ए, टू रोज आपको यहां पे मिलेगी। बिल्कुल, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 2015 में क्वेश्चन पूछा था आपको, क्वारी हाफ क्वारी दी हुई है, रिमेनिंग हाफ क्वारी ऑप्शन में लिखी है, तो ट्राई करिए कि कौन सा आंसर आना चाहिए। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके और बताइए। एनी ऑल में डिफरेंस क्या होता है? देखिए एनी और ऑल का डिफरेंस बहुत ही सिंपल सा है। अगर हम ग्रेटर देन ऑल बोल रहे हैं तो इनसाइड दिस हम जो भी वैल्यू लिखेंगे, अगर एक से ज्यादा वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है तो उन सभी से ग्रेटर, और ग्रेटर देन एनी का मतलब किसी भी एक से ग्रेटर होगा तो रिजल्ट आ जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपके पास एक सिनेमा है, उसमें थिएटर एड्रेस और कैपेसिटी तीन एट्रीब्यूट है। फिर आपको बोला है सिलेक्ट p1.address फ्रॉम सिनेमा p1 such that it always find the address of theaters with maximum capacity. Pehla, where p1.capacity is greater than equal to all, inside this there is a query. Dusra, where p1.capacity is greater than equal to any, inside this there is a query. To sabhi ki query alag alag hame di hui hai, one by one hum log isko check kar lete hain. Dekhiye, jaise agar hum last option ki baat kare, to select max p2.capacity from cinema. देखो यहाँ पे सिनेमा टेबल आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, सिनेमा टेबल आपके पास दिया हुआ है। इस सिनेमा टेबल में एक एट्रीब्यूट है थिएटर, एक एट्रीब्यूट है एड्रेस, एक एट्रीब्यूट है कैपेसिटी, ठीक है। थिएटर इज सपोज ए बी सी डी, फोर थिएटर से आपके पास, किसी का कैपेसिटी 100 है, किसी का 200 है, किसी का 150 है, किसी का 250 है, लाइक दिस। ओके, आपको बोलना है, आपको वो एड्रेस फाइंड आउट करना है जिसका कैपेसिटी मैक्सिमम है। इन सभी में सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसका है? इसका है। तो इसका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस हम लोग को प्रिंट करना है। आई बात समझ में? तो अब देखिए, ये करने के लिए अगर लास्ट क्वेरी की बात करूं तो ये क्या बोल रहा है, सिलेक्ट मैक्स कैपेसिटी फ्रॉम सिनेमा। तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 250। अब ये बोल रहा है ग्रेटर देन एनी और ब्रेकेट में लिखा हुआ है 250, तो अल्टीमेटली एक ही वैल्यू है ना, तो इससे ग्रेटर।
तो 250 से ग्रेटर कैपेसिटी का तो कोई थ्रेटर ही नहीं है, तो इससे कुछ आउटपुट आपको मिलेगा ही नहीं, तो डी तो आपका आंसर नहीं है। अब आप ऑप्शन सी की अगर बात करें, यहां पे दिया है ग्रेटर देन ऑल और इनसाइड दिस अगेन देयर इज अ सिलेक्ट मैक्स कैपेसिटी फ्रॉम सिनेमा, तो ये 250 देगा। अब अल्टीमेटली ये भी 250 आपको दे रहा है, ठीक है, तो ग्रेटर देन ऑल, अब यहां पे ए की वैल्यू तो अल्टीमेटली इसी से ग्रेटर देखना है हमें, तो 250 से ग्रेटर कैपेसिटी का तो कोई सिनेमा नहीं है, तो इससे भी कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। नाउ यहां ऑप्शन बी की बात करें तो ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू एनी, और ब्रैकेट में आप सारी कैपेसिटी सिलेक्ट कर रहे हो, 100 भी सिलेक्ट कर रहे हो, 200 भी सिलेक्ट कर रहे हो, 300 भी, 150 भी सिलेक्ट कर रहे हो और 250 भी सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब इसने क्या कहा, ग्रेटर देन इक्वल टू एनी ऑफ दिस, तो अब पहली वाली 100 इज इक्वल टू 100, यस, तो ये भी प्रिंट हो जाएगी, 200 इज इक्वल टू 200, ये भी प्रिंट हो जाएगा, 150 इज इक्वल टू 150, ये भी प्रिंट हो जाएगा, 250 इज इक्वल टू 250, ये भी प्रिंट हो जाएगा, तो ये तो सारी ही टपल्स दे देगा, तो जो हम चाहते थे वो रिजल्ट हमें इससे भी नहीं मिल रहा। अब हम फर्स्ट क्वारी को देखते हैं, ये भी गलत है, मतलब बी भी गलत है। फर्स्ट सिलेक्ट कैपेसिटी, सारी कैपेसिटी आपने सिलेक्ट कर दी, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू एनी की प्लेस पे लगा हुआ है ऑल, जो सभी से ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल होना चाहिए, तो क्या 100 इन चारों से ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या, नहीं है, 200 है क्या, नहीं है, 150, सो 150 इज ग्रेटर देन 100, 150 इज नॉट ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू 200, तो ये भी बाहर हो गया। लास्ट 250 की बात करें तो 250 इज ग्रेटर देन 100, यस, 250 इज ग्रेटर देन 200, यस, 250 इज ग्रेटर देन 150, यस, एंड 250 इज इक्वल टू 250, यस, ग्रेटर देन या इक्वल में से एक कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई इन सभी से, तो हो रही है, मींस यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा 250, तो 250 का एड्रेस ये प्रिंट कर देगा, तो व्हाट वी कैन से, फर्स्ट इज द करेक्ट क्वारी, गॉट इट। चलिए, सो ए इज योर आंसर, बाकी तीनों फॉल्स हो जाएंगे। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। ट्राई टू आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। दो स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा है। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। पहला क्या बोल रहा है, अ फॉरेन की डिक्लेरेशन कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट चेक असर्शन इन एसक्यूएल, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है क्योंकि हम फॉरेन की को चेक कंस्टेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। फॉरेन की जो है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहा है, गिवन टेबल आर वेर ए बी टूगेदर फॉर्म अ प्राइमरी की, इनमें ए और बी दोनों मिलकर प्राइमरी की बना रहे और टेबल इसकी एक डेफिनेशन लिखी, उसमें क्या कर रहा है, एक एट्रीब्यूट ए ले रहा है, एक डी ले रहा है, एक ई ले रहा है, प्राइमरी की इसमें डी है और ये ए को फॉरेन की बना रहा है और रेफरेंसेस आर। अब देखिए फॉरेन की बनाने की डेफिनेशन हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते। पहली चीज तो यहां पर अगर ए बी का कॉम्बिनेशन प्राइमरी की है तो उन दोनों एट्रीब्यूट को रेफर करना चाहिए। फिर ये रिलेशन में जिस भी एट्रीब्यूट को आप फॉरेन की बना रहे हो वो पूरे रिलेशन को रिफर नहीं करता, इस रिलेशन के किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को रिफर करता है, सो वी नीड टू मेंशन दैट एट्रीब्यूट आल्सो, तो व्हाट वी कैन से, बोथ आर फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है, बोथ आर फॉल्स, ओके। चलिए लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 11। यस, ट्राई दिस and tell me what would be answer for this question.
क्या आ रहा है? इलेवन बी डी ओके लेट्स सी यार, एक एम्प्लॉय टेबल दिया, एक डिपार्टमेंट टेबल दिया है. यू वॉन्ट टू डिस्प्ले द लास्ट नेम इन हायर डेट ऑफ ऑल लेटेस्ट हायर एम्प्लॉयज इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इन द लोकेशन आई डी 1700. यू इश्यू द फॉलोइंग क्वारी, सिलेक्ट लास्ट नेम कॉमा हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आई डी इन हायर डेट इन. अब इनसाइड दिस आप एक क्वारी को रन कर रहे हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आई डी कॉमा मैक्स हायर डेट. अब देखिए जैसे मैक्स हायर डेट हमने फंक्शन यूज किया, तो कैन वी से दैट कि मैक्सिमम हायर डेट मतलब कि इट इज लेटेस्ट हायर एम्प्लॉय. जैसे अगर एक का हायर डेट 1 है और एक का हायर डेट 30 है, तो मैक्सिमम क्या होगा 30. तो 30th को जो आया वो लेटेस्ट एम्प्लॉय है, 1 को जो आया था वो ओल्डर एम्प्लॉय हो जाएगा. तो मैक्स फंक्शन तो सही लगा हुआ है. फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन डिपार्टमेंट, दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं. अब दोनों को ज्वाइन किस पे करना है, जो कॉमन एट्रीब्यूट है. सो वी आर डूइंग दैट ज्वाइनिंग ऑन डिपार्टमेंट आई डी. तो यूजिंग डिपार्टमेंट आई डी हम लोग ये काम कर रहे हैं. अब कंडीशन आपको क्लियरली दी हुई थी कि हमें वो सारे एम्प्लॉयज के लास्ट नेम और हायर डेट्स हमें प्रिंट करनी है जो कि लोकेशन आई डी 1700 की हो. तो वी नीड टू डू द ग्रुपिंग ओवर द डिपार्टमेंट आई डी, क्योंकि ग्रुप बाय तो चाहिए ना, इनसाइड द डिपार्टमेंट देखना है. तो दो कंडीशन है, पहली तो लोकेशन आई डी 1700 होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद फिर क्या होगी, ग्रुपिंग होगी, और इस स्पेसिफिक ग्रुपिंग के ऊपर फिर वो मैक्स हायर डेट को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा. तो व्हाट वी कैन से दैट दिस क्वेरी एग्जीक्यूट्स करेक्टली एंड इट गिव्स अस द करेक्ट आउटपुट. सो बी इज योर आंसर. गॉट इट? तो यहां पे कोई भी एरर आने वाला नहीं है. आपको सिर्फ फोकस क्या करना है, आपने जिस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट पे ग्रुपिंग की हुई है वो एट्रीब्यूट यहां पर सिलेक्ट हो रहा है. यस, मैक्स फंक्शन या जो भी आपका फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन होता है उसके साथ हमेशा हम लोग क्या करते हैं, वही एट्रीब्यूट सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर ग्रुपिंग हो रही है. तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, अगर वो है मतलब वो बिल्कुल क्वेरी सही है, वहां पे कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है. लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 12. ट्राई टू आइडेंटिफाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अंकित, यूजिंग कीवर्ड का काम क्या है? आपने जब सिंपल ज्वाइन लिखा है तो ज्वाइन आप किस एट्रीब्यूट के ऊपर कर रहे हो? तो यूजिंग डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर आप ज्वाइन कर रहे हो. जैसे आप यूजिंग कोई एट्रीब्यूट लिखते हो तो वो एट्रीब्यूट दोनों टेबल में अगर कॉमन है तो उस पर इक्वी ऑपरेशन वो परफॉर्म कर देता है, ठीक है. चलिए इसका आंसर निकालिए क्या होगा.
चलिए विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. 2014 में क्वेश्चन पूछा था. अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली क्या होते हैं, दिखने में क्वेश्चन काफी छोटा है, ठीक है, बट अब इसको फाइंड करने के लिए हमें टेबल में खुद से डेटा लेना होगा और वेरीफाई करना होगा कि किसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट सिमिलर आ रहा है. जनरली होता क्या है, जब क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं तो सब कुछ वहां पे दिया होता है, तो हमें टेबल में डेटा लेने की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सिंपल क्वारी एग्जीक्यूट करके रिजल्ट आइडेंटिफाई कर लेना होता है. बट यहाँ पे इट टेक्स सम एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हमें यहाँ पे लगेगा बिकॉज वी नीड टू चूज डेटा इन द टेबल. तो आप देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कंडीशन एसक्यूएल अलाउ डुप्लीकेट टपल्स इन द रिलेशन, मतलब आप सेम टपल्स आप इंसर्ट कर सकते हो. एंड करस्पॉन्डिंग डिफाइंस द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टेबल इन द रिजल्ट ऑफ जॉइन. Which one of the following query always gives you the same answer as the nested query given in the question? तो एक ही nested query दी हुई है, और आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है, select star from R where A in select S dot A from S. ये हमें दिया हुआ है, ठीक है. चलिए मैं एक टेबल R ले लेता हूं. इस टेबल R में मैंने कुछ डेटा लिया, सपोज टू बी डेटा कुछ आपके पास एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट सपोज B है, C है. And there's one attribute A, okay? There's another table S. इस S में भी एक attribute A common होना चाहिए. चाहे उसके अलावा number of attributes कितने भी हो, it doesn't matter, ठीक है? But there should be a common attribute between both the relation. क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी A दिया हुआ है, यहाँ पे भी A दिया है. बाकी relation S और R के attributes हमें नहीं दिए हुए. मृत्युंजय एसक्यूएल में बहुत प्रॉब्लम हो रही है बेटा, वही मैं आपको बता रहा हूं कि एसक्यूएल के क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम हो रही है तो उनको कैसे आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से क्वेश्चन पे फोकस करना है, ये आप इंपॉर्टेंटली चीजें समझो. जब आपको यहाँ पे दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट ए दिया हुआ है तो दोनों में मैंने एक एट्रीब्यूट ए ले लिया है ना, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. फिर उसके बाद आपको एक लाइन दिया एसक्यूएल अलाउ डुप्लीकेट टपल इन द रिलेशन, मतलब आप इस रिलेशन में कुछ टपल्स ऐसी लो जो कि डुप्लीकेट हो सकती है. मानो सपोज आपने यहाँ पे वैल्यू ले ली लाइक 521, सो एक वैल्यू और ले लीजिए 521, ये डुप्लीकेट टपल्स है, ठीक है. एक वैल्यू सपोज टू बी आपकी 894, सो देयर इज वन मोर वैल्यू दैट इज 894, लाइक दैट. तो ऐसे कुछ रेंडम डेटा ले सकते हो जहां पे डुप्लीकेट टपल्स आपने ले ली क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ठीक है. अब एस आपके पास एक टेबल दी हुई है, अब हो सकता है कि इस एस का कुछ डेटा इसके सिमिलर हो, ठीक है, कुछ डेटा डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ डेटा सिमिलर भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना. यहाँ पे वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, फर्दर वैल्यूज माइट बी इट इज 2, 3, 4, 5, 6, 3, 7, 3, वॉट एवर, इट डजंट मैटर. तो ए का डेटा और ए का डेटा हमें यहाँ पे जनरली चेक करना है. तो इस तरीके से आप डेटा इंसर्ट करेंगे सबसे पहले, फिर आप चेक करेंगे क्वारी को रन करेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर वेर ए इन, तो सबसे पहले आप इनर क्वारी रन कर लेंगे. Select S dot A from S. यहां से select किया तो यहां से select हुआ 1, 2 और 4, ठीक है. अब सबसे पहले हमने ये 1 लिया A, so 1 in this yes, तो ये row आपकी print हो जाएगी, ठीक. फिर आपने ये 1 लिया 1 in this yes, तो ये row भी आपकी print हो रही है. फिर आपने ये देखा 4 in this yes, तो ये row भी आपका print हो रहा है. और फिर आपने देखा 4 in this yes, तो ये रो भी आपका प्रिंट हो रहा है. व्हाट वी कैन से, चारों रो आपकी प्रिंट हो जाएगी. कहीं पे कुछ डिस्टिंक्ट वगैरह नहीं लिखा हुआ है, तो ऑल द रोज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर. सेम रिजल्ट किससे आ रहा है हमें ये देखना है. ऑप्शन ए देखते हैं. ऑप्शन ए में आर और एस के ऊपर वो क्या कर रहा है, कार्टिशन करके इक्वल कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है. चलिए चेक कर लेते हैं. वन इज इक्वल टू दिस वन, एक रो. वन इज इक्वल टू दिस वन, सेकेंड रो. फोर इज इक्वल टू दिस फोर, थर्ड रो. 4 is equals to this 4, fourth row. 4 is equals to this 4, fifth row. And 4 is equals to this 4, sixth row. Total number of row कितने written हुई बेटा यहाँ पे 6. लेकिन question से कितने row written हो रही थी 4. तो पहला answer तो नहीं है. First answer तो नहीं है. आई बात समझ में? अब second query में उसने यहाँ पे सिर्फ distinct लगा दिया. अब distinct लगाने से क्या होगा? Total 6 rows है, ठीक है. लेकिन जब distinct निकालोगे, तो ये first row, ये दो row दो बार आ रही थी लेकिन डिस्टिंक्ट में एक ही बार आएगी. ये दोनों रो चार बार आ रही थी तो डिस्टिंक्ट में एक ही बार आएगी. तो अगर आपने यहां पे डिस्टिंक्ट लगा दिया तो इससे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 टपल्स ही मिलेंगी इन आउटपुट, जबकि हमारे क्वेश्चन के आउटपुट में 4 टपल्स थी. तो इसलिए ऑप्शन बी भी फॉल्स हो गया, बी भी फॉल्स हो गया. लेट्स ट्राई ऑप्शन सी.
सिलेक्ट आर डॉट स्टार फ्रॉम आर कॉमा, अब कॉमा में आपको यहां पे एक नई टेबल वो बना रहा है, टेबल एस वन, उसमें क्या बोल रहा है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ए फ्रॉम एस, इससे डिस्टिंक्ट ए सिलेक्ट करिए, तो वन टू एंड फोर ये डिस्टिंक्ट ए सिलेक्ट हो गए। अब इस टेबल में और रिलेशन आर में कार्टिशन करके इक्वल कंडीशन मैच हो रही है, तो व्हाट वी कैन से, ये इक्वल कंडीशन है, वन इज कनेक्टेड विद दिस वन, नाउ दिस वन इज अगेन कनेक्टेड विद दिस वन, नाउ दिस फोर इज कनेक्टेड विद दिस फोर, एंड नाउ दिस फोर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस फोर, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास बेटा, ओनली फोर, ये वही फोर रो आ रही है जो क्वेश्चन से फोर रोज आ रही थी, तो कैन वी गो विद ऑप्शन सी, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को चेक करना है, वेरीफाई करना है, उसका रिजल्ट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो क्लियर है ये। चलिए नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेट 2014 में आपसे पूछा था, और इस क्वेश्चन में आपको को रिलेटेड सब क्वारी वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को ट्रीट करना है। सो ऑल ऑफ यू ट्राइट एंड टेल मी कि क्या होगा इसका आंसर, कोशिश करें एक बार, यहां पे भी आपको डेटा लेना होगा, है ना, तो आई एम गिविंग यू 3 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए इससे को रिलेटेड क्वारी के कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सॉल्व करें इसको, अगर पहले से को रिलेटेड क्वारी पड़ी हुई है तो इजिली आप क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है, और नहीं पे आएगा तो डोंट वरी, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन इन डिटेल, ट्राई कर लीजिए एक बार खुद से। ट्राई करिए बेटा, टफ तो ठीक है बट कोशिश करेंगे, तो प्रोसीजर अगर पता है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को निकाल पाएंगे ना, और मान के चलिए एक्सपेक्ट करके चलिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो एसक्यूएल का इतना लेवल तो आप मान के चलो कि इतना लेवल तो एसक्यूएल का आ सकता है। यस एग्जैक्टली बेटा, इसलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, बिल्कुल। 13th का क्या आ रहा है ललित, ए आ रहा है, ओके चलिए आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। सभी बच्चे केयरफुली क्वेश्चन को देखें किस तरीके से हम लोग उसको हैंडल कर रहे हैं। सो सबसे पहले आप क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है उसको रीड आउट करिए, एक एम्प्लॉय है, एक कस्टमर है और एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी है, ठीक। तो टेबल एग्जैक्टली दो ही है, एक एम्प्लॉय और एक कस्टमर है। अब इस कस्टमर टेबल में जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी है ये फॉरेन की है, जो कि एम्प्लॉय टेबल की एम्प्लॉय आईडी को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, तो ये हमें दिया हुआ है।
और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, एज इन दैट ईच एम्प्लॉय मेक अ सेल टू एटलीस्ट वन कस्टमर। अब हमेशा याद रखिए कि क्या होता है, इस टाइप के जो डेटा होता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, इनमें जो डेटा दिया होता है तो वो डेटा, ये जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये बहुत हेल्पफुल होगी जब हम टेबल के अंदर टपल्स को इंसर्ट करेंगे। क्योंकि अभी आपने स्टार्टिंग में देखे होंगे कि 4-5, 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें टेबल का डेटा ऑलरेडी गिवन था और एक क्वारी लिखी हुई थी। सपोज एक क्वारी लिखी होती हो, टेबल का डेटा दिया होता तो समहाउ इट टेक लेस टाइम टू आइडेंटिफाई दी आंसर। बट अगर टेबल का डेटा नहीं दिया है, देन इन दैट कंडीशन व्हाट टू डू, वी नीड टू इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल और फिर हमें क्वारी को भी रन करना है, मतलब हमें दो काम करने पड़ गए। तो क्वारी टफ होने के साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग भी हो गई, भाई एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चैलेंज यहाँ पे ये होता है कि टेबल में डेटा किस तरीके से ले। बहुत बार हम लोगों को टेबल में डेटा लेने में ही दिक्कत आ जाती है ना। तो अगर हम टेबल में सही तरीके से डेटा लेंगे तो क्वारी का आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब पॉइंट ये होता है, चैलेंज ये होता है कि हाउ वी कैन चूज कि किस टाइप का डेटा मुझे टेबल में इंसर्ट करना है, कैसे मैं उन डेटा को टेबल के अंदर पुटअप करूं, ये कैसे पता करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग सिंपली जो इंफॉर्मेशन यहां दी हुई है, जैसे ये कंसिडर करना है, एज्यूम दैट ईच एम्प्लॉय मेक अ सेल टू एटलीस्ट वन कस्टमर। तो आपको टेबल में ऐसा डेटा इंसर्ट करना है कि हर एम्प्लॉय की सेल हो, कम से कम वो एक कस्टमर को तो सेल करे, ऐसा डेटा हमें लेना है। उसके अलावा आप ऑप्शन को देखिए, फोकस करें ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन बोल रहा है नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज विद एटलीस्ट वन ऑफ देयर कस्टमर हैविंग गुड रेटिंग। तो वहां पे ऐसे एम्प्लॉयज रखिए जिनके एक कम से कम एक कस्टमर ने तो उनको गुड रेटिंग दी है। फिर सेकंड बोल रहा है नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय विद एटमोस्ट वन कस्टमर, ऐसे रखिए जिनको ज्यादा से ज्यादा एक कस्टमर नहीं दी, एक से ज्यादा किसी ने गुड रेटिंग नहीं दी है। उसी तरीके से लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय विद ऑल ऑफ देयर कस्टमर हैविंग अ गुड रेटिंग। तो ऐसे एम्प्लॉयज भी रखिए जिनको हर कस्टमर ने गुड रेटिंग दी है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि एक भी एम्प्लॉय ने गुड रेटिंग नहीं दी है। तो ऐसे कस्टमर्स, ऐसे एम्प्लॉयज भी रखिए जिनको एक भी कस्टमर ने गुड रेटिंग नहीं दी हुई है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं एक एम्प्लॉय टेबल बनाता हूं और देखते हैं कि क्वारी को रन किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय टेबल ले लेते हैं। एम्प्लॉय टेबल में आप देख सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से। सो देयर इज अ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर। ओके, फिर देयर इज अ कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल के एट्रीब्यूट्स जो है आप देख सकते हैं, दैट इज द कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम है, कस्टमर नेम, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी और उसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है दैट इज रेटिंग। लेट्स सी, एम्प्लॉय आईडी सपोज हम यहां पे लेके चलते हैं, एम्प्लॉयज 10 इज देयर, 20 इज देयर, 30 इज देयर, 40 इज देयर, चार एम्प्लॉयज में यहां पे लेके चल रहा हूं। नेम ऑफ एम्प्लॉय कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एबीसीडी किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि क्वारी में कहीं भी डिपार्टमेंट के बारे में, डिपार्टमेंट नंबर के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। अब यहां देखिए, सपोज कोई कस्टमर आईडी है जिसका कस्टमर आईडी 1 है ना, उसका कस्टमर नेम क्या है कोई दिक्कत नहीं है। इस कस्टमर को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी ने कुछ कंटेंट को, कुछ आइटम इसको सेल किया, इसने इसको गुड रेटिंग दे दी, ठीक है। सेकंड कस्टमर है, ये भी 10 को गुड रेटिंग देता है, ठीक है। और एक और कस्टमर है सपोज 3, ये भी इसको गुड रेटिंग देता है। तो तीन कस्टमर ने इसे गुड रेटिंग दी, ठीक है। अब एक एम्प्लॉय 20 है, इसको कस्टमर 1 ने बैड रेटिंग दिया है, कस्टमर 2 ने इसको गुड रेटिंग दिया है। तो कैन वी से दैट ये ऐसा एम्प्लॉय हो गया जिसको कुछ कस्टमर गुड रेटिंग दे रहे हैं, कुछ कस्टमर बैड रेटिंग दे रहे हैं। अब एक और सपोज कस्टमर 4 है, इसने 30 को, और कस्टमर एक 5 है, इसने 30 को, इन दोनों ने 30 को बैड रेटिंग दी हुई है। तो ये वो कस्टमर हो गया जिसको सभी, ये वो एम्प्लॉय हो गया जिसको सभी कस्टमर ने बैड रेटिंग दी है। और एक और हम लोग ले लेते हैं सपोज 3 और 4, इन दोनों ने 40 को गुड रेटिंग दी हुई है। सो व्हाट वी कैन से कि 40 को सभी गुड रेटिंग दे रहे, गॉट इट, इज इट क्लियर। लेट्स सी, हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हम क्वारी को रन करेंगे। अब देखिए क्वारी का
एग्जीक्यूशन का वे क्या होगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ई वेर नॉट एग्जिस्ट आपको दिया हुआ है, सिलेक्ट और एक क्वारी दी हुई है, नॉट एग्जिस्ट जनरली बुलियन वैल्यूज पे वर्क करता है, तो अब जो इनर क्वारी है, इनर क्वारी है पहली चीज तो वो कोरिलेटेड क्वारी होगी, नॉट एग्जिस्ट है तो, अब अगर इस इनर क्वारी का रिजल्ट फॉल्स आता है और यहां नॉट एग्जिस्ट लगा हुआ है, देन ओनली आउटर क्वारी गिव्स यू द रिजल्ट, तो यहां से फिर आउटर क्वारी आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। सो इफ इनर क्वारी गिव्स यू फॉल्स आंसर देन आउटर क्वारी गिव्स यू द रिजल्ट करस्पॉन्डिंग टू दैट, तो उसकी करस्पॉन्डिंग आउटर क्वारी आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। अब देखिए इनर क्वारी में क्या दिया है, सिलेक्ट कस्टमर आई डी फ्रॉम कस्टमर वेर सी डॉट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आई डी इज इक्वल टू ई डॉट एम्प्लॉय आई डी। अब देखिए इस ई की इंफॉर्मेशन कहां पे दी हुई है, आउटर टेबल में दी हुई है, यहां पे दी हुई है, आउटर क्वारी में दी हुई है, इससे हमें पता चला कि ये कोरिलेटेड क्वारी है, ठीक है। तो कोरिलेटेड क्वारी हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी होती है कि विच क्वारी इज कोरिलेटेड क्वारी, ठीक है। अब पॉइंट देखिए, कोरिलेटेड क्वारी को एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है, रो बाय रो प्रोसेसिंग। तो आउटर क्वारी से आप फर्स्ट रो को चूज करें, इसके लिए कंप्लीट इनर क्वारी को सॉल्व करें, तो आपको चेक करना है कि ये 10 किसके इक्वल है, तो आप देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये 3 रो के इक्वल होगा। ये सेकंड कंडीशन आपको ये भी चेक करनी कि रेटिंग नॉट इक्वल टू गुड होनी चाहिए, तो इन तीनों की ही रेटिंग गुड है, मतलब एक भी रो सिलेक्ट नहीं होगी, एक भी रो सिलेक्ट नहीं हुई तो इनर क्वारी क्या रिजल्ट देगा आपको, फॉल्स। जैसे इनर क्वारी ने फॉल्स रिटर्न किया, आउटर क्वारी उस एम्प्लॉय का नेम प्रिंट कर देगा, तो इसका नेम ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने इसकी सेकंड रो चूज किया 20, फिर चेक किया 20 किन से कनेक्टेड है, तो 20 इज कनेक्टेड टू दिस एंड दिस, इक्वल कंडीशन यहां पे मैच हो रही है। फिर आपने चेक किया कि रेटिंग नॉट इक्वल टू गुड का है, तो रेटिंग नॉट इक्वल टू गुड यहां पे, तो ये रो आपकी सिलेक्ट हो रही है इनर क्वेरी से। अब इनर क्वेरी अगर कुछ भी आउटपुट दे रहा है मीन्स इट इज ट्रू, अगर इनर क्वेरी कुछ भी आउटपुट देगा इसका मतलब है वो ट्रू है, और अगर इनर क्वेरी ट्रू है और बाहर नॉट एग्जिस्ट लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये प्रिंट नहीं होगा, आउटर क्वेरी रन नहीं होगी। फिर नेक्स्ट के लिए रन किया 30, सो 30 की मैचिंग यहां दो पोजीशन पे हुई। अब आप देखिए रेटिंग नॉट इक्वल टू गुड, तो इसका रेटिंग भी गुड नहीं है, इसका रेटिंग भी गुड नहीं है, तो ये दो रो सिलेक्ट होगी इनर क्वेरी से। अगर इनर क्वेरी से एक भी रो सिलेक्ट हो रही है इसका मतलब क्या है, इट इज ट्रू, और अगर वो ट्रू है तो आउटर क्वेरी कोई आउटपुट नहीं देगा, तो यहां पर भी कोई आउटपुट नहीं आया। लास्ट 40 इन दोनों से कनेक्ट हुआ, लेकिन हमें इसके साथ ये भी चेक करना है कि रेटिंग नॉट इक्वल टू गुड होनी चाहिए, लेकिन दोनों पोजीशन पे रेटिंग गुड है, इसका मतलब एक भी रो सिलेक्ट नहीं हुई। इनर क्वारी ने एक भी रो सिलेक्ट नहीं किया, मतलब रिजल्ट क्या है, फॉल्स। अगर फॉल्स है तो आउटर क्वारी से आउटपुट आ जाएगा, डी इज इन योर आउटपुट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वारी है ये किन इंप्लॉयज के नेम दे रहा है, ये उन इंप्लॉयज के नेम दे रहा है जिनको सभी कस्टमर ने गुड रेटिंग दी हुई है, जिनको उनके सभी कस्टमर ने गुड रेटिंग दी है। सो इट गिव्स यू नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय विद ऑल देयर कस्टमर हैविंग अ गुड रेटिंग। आई बात समझ में? यस बेटा, ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो, बट अल्टीमेटली ये मैंने क्वेश्चन पूरा क्यों सॉल्व करके बताया, क्योंकि इन वर्स्ट केस आपको इतना सॉल्व करना पड़ सकता है। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो और आप ये पॉइंट समझ पा रहे हो कि अगर एक भी कस्टमर यहां पे बैड रेटिंग दे देगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, और वो सिलेक्ट हो जाएगा तो आउटर क्वेरी आउटपुट नहीं देगी, मतलब कि इनर क्वेरी में एक भी कस्टमर, सारे कस्टमर ऐसे होने चाहिए जो गुड रेटिंग दे रहे हैं, तब वो सिलेक्ट नहीं होंगे, और सिलेक्ट नहीं होंगे तो आउटर क्वेरी आउटपुट दे देगी। अगर ये चीज हमें समझ में आ रही है क्वेरी देख के तो इट वुड बी गुड, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो हमें फिर इतना क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, इतनी एफर्ट्स, इतनी मेहनत हमें वहां पे लगानी पड़ेगी। आई बात समझ में? ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14। चार क्वेरीज दी हुई है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में, एक एसक्यूएल में है, एक रिलेशनल अलजेब्रा में, एक टपल रिलेशन कैलकुलस में, एक डोमेन रिलेशन कैलकुलस में, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है।
चलिए क्या आ रहा है, ऑप्शन बी ए आ रहा है, ठीक है, ओके लेट्स सी। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट एस रिजर्वेशन रजिस्ट्रेशन आर वेर रोल नंबर इज इक्वल एंड कोर्स इज 107 एंड परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90। तो आपको फाइंड आउट क्या करना था, डिस्टिंक्ट नेम निकालने थे। तो आप देखिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट नेम सिलेक्ट किए हुए फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल जिन्होंने 90% से ज्यादा स्कोर किया है कोर्स नंबर 107 में। तो इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमें कौन कौन सी टेबल्स की नीड लगेगी। वी रिक्वायर अ स्टूडेंट टेबल क्योंकि यहां से स्टूडेंट का रोल नंबर और उसके नेम हमें मिल जाएंगे। फिर रजिस्ट्रेशन मतलब इस स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया होना चाहिए स्पेसिफिक कोर्स में और उसके परसेंटेज। तो आपको कोर्स टेबल की नीड नहीं है, सिर्फ आपको दो टेबल से काम यहाँ पे हो जाएगा। गॉट इट। तो ये दो टेबल आप यहाँ पे यूज करें और उसके बाद आप देखिए सेकेंड क्वारी जो देखे यहाँ पे पाई एस नेम हमें वही डिस्टिंक्ट नेम सिलेक्ट करने, कंडीशन वही दी हुई है कि कोर्स नंबर और परसेंटेज ग्रेटर देन 90 होना चाहिए और स्टूडेंट और रजिस्ट्रेशन के बीच में हम लोगों ने जो ज्वाइन परफॉर्म किया है दैट इज द नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, ये डंबल सिंबल एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा ये बना सही नहीं है बट इट इज अ डंबल सिंबल और डंबल सिंबल हम लोग यूज करते हैं नेचुरल ज्वाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इट इज नॉट अ कार्टेशियन, इट इज अ डंबल सिंबल। तो इन दोनों में जो कॉमन एट्रीब्यूट है रोल नंबर उस पर इक्वल कंडीशन को ये परफॉर्म कर देगा। अब देखिए वही सेम चीज आपका क्वेरी थ्री में भी हुआ है, आपको वो टपल से सिलेक्ट करनी है जहां पे स्टूडेंट के रोल नंबर इक्वल है, कोर्स नंबर 107 है, परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है और इस टी में जो टपल हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं वो एक्चुअली क्या है, वो स्टूडेंट का नेम है। तो ये क्वेरी भी बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेरी में आप देखिए डोमेन में आपको डायरेक्टली एसएन दे दिया, एसएन इज डोमेन फॉर द स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम आपने यहां पे लिया। फिर कंडीशन क्या है कि जो रोल नंबर और नेम है वो स्टूडेंट से बिलोंग करने चाहिए। फिर अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी इक्वल कंडीशन होती है आप उस डोमेन को डायरेक्टली पास कर सकते हैं यहां पे। तो आपने देखिए स्टूडेंट का रोल नंबर 107 इज द कोर्स नंबर और परसेंटेज के लिए आर ले लिया दैट बिलोंग टू द रजिस्ट्रेशन इन वेयर आर डॉट पी इज ग्रेटर देन 90। सो व्हाट वी कैन से ऑल द क्वेरीज आर इक्विवेलेंट, सारी ही क्वेरीज आपकी इक्विवेलेंट है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रमेश पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बेटा आपको कितने मार्क्स चाहिए? तो देखिए अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन द आईआईटी, अगर आप स्पेसिफिक आईआईटी में जाना चाहते हैं तो, बट आप एटलीस्ट ट्राई करिए 45 प्लस मार्क्स लाने का, है ना, तो इट वुड बी गुड। चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15। थ्री टेबल्स हमें दी हुई है ए बी सी। देखिए क्वेश्चन 2012 में आपसे पूछा था, है ना, देर आर थ्री टेबल्स, चेक इट एंड टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर। ओके okay, क्या आ रहा है आपका आंसर, बी आ रहा है। ठीक है, देखिए क्वारी में क्या दिया हुआ, आपके पास थ्री टेबल से ए बी सी, देयर इज अ इनर टेबल इनर क्वारी। अब इनर क्वारी क्या रिजल्ट देगा उस पर आउटर क्वारी हम लोग रन करेंगे। इनर क्वारी में दिया है सिलेक्ट बी डॉट एज फ्रॉम
बी वेर बी डॉट नेम इज अरुण, तो बी में आप अरुण देखिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब है कि इनर क्वारी से आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, तो इट गिव्स यू द नल। जैसे ही नल देगा तो अल्टीमेटली ग्रेटर देन ऑल एंड देयर इज नथिंग, सो अल्टीमेटली इट सिलेक्ट एवरीथिंग, तो सिलेक्ट ए आईडी फ्रॉम ए, सो तीनों ही आईडी सिलेक्ट हो जाएगी, सो यू कैन गो विद ऑप्शन बी, 3 इज योर आंसर, 12, 15, 99, तो 3 आंसर आपका आ जाएगा यहां पे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम लोग बात करें, तो यहां पे आपको एक लोन रिकॉर्ड टेबल दिया हुआ है जिसमें तीन कॉलम्स हैं, एक क्वारी आपको दी हुई है, रीड आउट दिस क्वेश्चन क्वारी केयरफुली और बताइए कि क्या आउटपुट इस क्वारी के थ्रू आएगा। Try this and tell me कि what would be answer for this query? देखिए यहां आप देख सकते हैं देर इज अ फर्स्ट इनर क्वारी, इसको एज एस ट्रीट किया जा रहा है, इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है, देन देर इज अ सेकेंड इनर क्वारी, इसको एज अ टी ट्रीट किया जा रहा है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, और उन दोनों के बीच में यहां पे लिखा हुआ है नेचुरल ज्वाइन, तो हमें इन दोनों टेबल्स के बीच में नेचुरल ज्वाइन करना है। नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करने के बाद फिर काउंट स्टार, हमें ये टपल्स काउंट करनी है, कितनी टपल्स उस जॉइन में आपको मिलेगी, एज अ रिजल्ट हाउ मेनी टपल्स आर देयर, दैट वुड बी द आंसर। सो सिलेक्ट बोरोवर कॉमा बैंक मैनेजर फ्रॉम द लोन रिकॉर्ड, तो आपको फर्स्ट तो बोरोवर और सेकंड बैंक मैनेजर सिलेक्ट करना है, तो बोरोवर में आप देख सकते हो एक रमेश है, एक सुरेश है और एक महेश है, फिर देयर इज अ बैंक मैनेजर कौन है, सुंदरजन है, राम गोपाल है एंड सुंदरजन है। लेट टी सिलेक्ट बैंक मैनेजर कॉमा लोन अमाउंट, बैंक मैनेजर इज सुंदरजन, राम गोपाल एंड सुंदरजन, और लोन अमाउंट इज 10,000, 5,000 एंड 7,000, ये दिया हुआ है। अब दोनों में नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म होगा तो दोनों टेबल का जो कॉमन एट्रीब्यूट है उस पे इक्वल कंडीशन, तो ये फर्स्ट रो इससे कनेक्ट होगी, फर्स्ट रो इससे भी कनेक्ट होगी, 2, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, 3, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, 4 और ये इससे कनेक्ट हो रहा है, 5, सो हाउ मेनी टपल्स आर देयर, 5 टपल्स आर देयर, सो 5 टपल इज इन योर रिजल्ट, सो यू कैन गो विद ऑप्शन सी, तो सी के साथ जाना चाहिए आपको, सी इज योर करेक्ट आंसर, गॉट इट। चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे दो टेबल्स दी हुई है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 है, दो टेबल्स दी हुई है, एक पैसेंजर है और एक रिजर्वेशन है, ये पैसेंजर टेबल का डेटा है और ये रिजर्वेशन टेबल का डेटा है, देयर इज वन क्वारी, अब ये वापस से कोरिलेटेड क्वारी है, ठीक है, और यहाँ पे एग्जिस्ट कीवर्ड लगा हुआ है, तो नॉट एग्जिस्ट किसके साथ काम करता था, इनर क्वारी अगर आपको फॉल्स रिजल्ट देता था तो नॉट एग्जिस्ट आपकी आउटर क्वारी को रन करता था, एग्जिस्ट में If inner query gives you the true result, तो outer query execute करनी है, ठीक है? तो try करें इसको एक बार और बताएं कि क्या होगा इसका answer. Read out the question carefully and tell me what would be answer for this.
ट्राई करिए। बेटा इसमें हमारे पास 20 क्वेश्चंस, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा है, 20 क्वेश्चन तक हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर ईआर डायग्राम और बाकी टॉपिक्स भी है, तो मैराथन मैं 12 o'clock तक लेने का सोच रहा हूँ। ठीक है, तब तक करेंगे हम। क्या आ रहा है आपका? ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है आपको, सिलेक्ट पीआईडी फ्रॉम रिजर्वेशन, सिलेक्ट पीआईडी फ्रॉम रिजर्वेशन वेयर क्लास इज एसी एंड एग्जिस्ट। तो अब देखिए आउटर क्वारी को रन करने के लिए वेयर में दो कंडीशन है, एक तो क्लास एसी होना चाहिए एंड ये एग्जिस्ट भी करना चाहिए। तो पहले फर्स्ट कंडीशन क्लास एसी हम लोग देख ले, तो जहां पे क्लास एस सी है वो तो वैसे ही आउट कर देते हैं हम लोग, ये वाली तो आउट होगी 100%, ये भी आउट होगा 100% बिकॉज यहां पे क्लास एस सी है। अब बाकी क्वारीज जो है उसका पीआईडी सिलेक्ट होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है एग्जिस्ट के अंदर जो इनर क्वारी लिखी हुई है उसके ऊपर। चलिए यहां पे क्या दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर वेर एज इज ग्रेटर देन 65 एंड पैसेंजर डॉट पीआईडी इज इक्वल टू रिजर्वेशन डॉट पीआईडी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रिजर्वेशन की फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे, आपने फर्स्ट रो सिलेक्ट किया और इसके करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे इक्वल कंडीशन की पीआईडी कहां पे मैच हो रहा है, यहां मैच हो रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे कि क्या एज ग्रेटर देन 65 है, नहीं एज ग्रेटर देन 65 नहीं है, मतलब कि ये रो आपको कोई आउटपुट नहीं देगी, आउटपुट नहीं दे रही है तो आउटर क्वेरी से भी कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि एग्जिस्ट है। इफ इनर क्वेरी गिव्स यू द आउटपुट मींस इट इज ट्रू तो आउटर से रिजल्ट आएगा, तो यहां कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर हमने बात की ये वन एसी का, सो वन एसी इज कनेक्टेड विद दिस वन एसी और यहां पे हम लोग देख सकते हैं एज इज आल्सो ग्रेटर देन 65, तो वन इज इन योर आंसर, वन इज इन योर आंसर, सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द आउटर क्वारी। फिर आप देखिए 5 एसी, अब 5 यहां पे है ही नहीं तो इक्वल कंडीशन ही मैच नहीं हो रही, मतलब इनर क्वारी से कोई आउटपुट नहीं आ रहा तो आउटर क्वारी भी कोई रिजल्ट नहीं देगा। नाउ द लास्ट वन इज 3 एसी, सो 3 इज देयर And yes, your age is also greater than 65. तो 3 आपका और आंसर आ जाएगा, तो 1 और 3 आपके रिजल्ट में रहेगा। यू कैन गो विथ ऑप्शन सी, आप ऑप्शन सी में या सी के साथ जा सकते हैं। गॉट इट? चलिए लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 18। यहां पे एक नोट करके आप लेके चलिएगा इस क्वेश्चन में, नोट इज व्हाट, ईच सप्लायर शुड सप्लाई एटलीस्ट वन पार्ट, हर सप्लायर कम से कम एक पार्ट तो सप्लाई करना चाहिए। ओके, राइट,
यस बेटा, इस साइन का मतलब नॉट इक्वल है, बिल्कुल। दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नॉट इक्वल। चलिए क्या आ रहा है ऑप्शन ए। ओके, फाइंड द नेम ऑफ ऑल सप्लायर हु हैव सप्लाइड अ नॉन ब्लू पार्ट। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक सप्लायर टेबल, एक पार्ट्स टेबल है और एक कैटलॉग टेबल है। तीन टेबल्स आपको दी हुई है। अब क्वारी में आप देख सकते हैं देयर इज अ इनर मोस्ट क्वारी। ये क्या सिलेक्ट कर रहा है? इट सिलेक्ट पीआईडी फ्रॉम पार्ट वेयर पी डॉट कलर इज नॉट ब्लू। सो इनर क्वेरी आपको उन पार्ट्स के आईडी दे रहा है जिनका कलर ब्लू नहीं है। ठीक है, फिर आपको आउटर क्वेरी दी हुई है कि सिलेक्ट एसआईडी फ्रॉम कैटलॉग वेयर पीआईडी इज नॉट इन दिस, जहां पे पीआईडी इसमें नहीं है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से, अब ये हमें वो एसआईडी देगा जिनके करस्पॉन्डिंग ये इनर क्वेरी का रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट इन दिस। और फिर ये जो भी रिजल्ट आएगा उसकी करस्पॉन्डिंग फिर से यहां पे आपका क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आउटर क्वारी आपको क्या रिजल्ट देगा? पहला ऑप्शन बोल रहा है फाइंड द नेम ऑफ ऑल सप्लायर हु हैव सप्लाइड अ नॉन ब्लू पार्ट। तो इसके हिसाब से वो उन सप्लायर्स के नेम देगा जो नॉन ब्लू पार्ट को सप्लाई कर रहे हैं। तो अब नॉन ब्लू पार्ट के साथ अगर वो ग्रीन पार्ट सप्लाई कर रहे हैं और ब्लू पार्ट सप्लाई कर रहे हैं और रेड पार्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो कौन से सप्लाई, ब्लू पार्ट भी सप्लाई करते हैं और जो ब्लू भी सप्लाई करते हैं। अब यहां पे अगला ऑप्शन आप पढ़िए, फाइंड द नेम ऑफ ऑल सप्लायर हु हैव नॉट सप्लाइड अ नॉन ब्लू पार्ट, जो नॉन ब्लू पार्ट सप्लाई नहीं करता। थर्ड बोल रहा है फाइंड द नेम ऑफ ऑल सप्लायर हु हैव सप्लाइड ओनली नॉन ब्लू पार्ट। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से अगर वो ब्लू पार्ट सप्लाई करता है तो भी उसका आंसर, उसका नेम आएगा। अगर वो ब्लू पार्ट सप्लाई करता है तो भी उसका नेम आएगा। फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से अगर वो ब्लू पार्ट सप्लाई करता है तो भी उसका नेम आएगा। थर्ड ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ उन सप्लायर्स के नेम आएंगे जो नॉन ब्लू पार्ट को सप्लाई करते हैं। नाउ व्हाट यू थिंक, फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए या थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? According to the first, it gives you the name of all supplier who have supplied a non-blue part. But इसके साथ में अगर वो blue को supply कर रहा है तो भी उसका name आ सकता है। Third में ऐसा नहीं होगा। चलिए, तो sometime it may possible कि options देख के हमें clearly चीजें अगर समझ में आ जाती है तो it would be good. But अगर नहीं आती है then in that condition you need to solve that by taking an example.
कुछ डेटा लेके आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, देन इट वुड बी द गुड वे. इंडेक्सिंग इज नॉट डिस्कस्ड टिल, ओके. सो इन द लास्ट सेशन आपकी दो चीजें डिस्कस हुई थी, नॉर्मलाइजेशन एंड द ट्रांजेक्शन इन सीरियलाइजेबिलिटी, एंड दिस इज द एसक्यूएल. सो इंडेक्सिंग इज नॉट डिस्कस्ड टिल टाइम, ओके. चलिए लेट्स सी आई विल सॉल्व दैट बाय टेकिंग अ डेटा. तो आपके पास एक सप्लायर टेबल है. अब देखिए मैं बहुत ज्यादा सप्लायर्स तो यहां पे नहीं लेता हूं, छोटा सा टेबल बना के हम लोग इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं. सप्लायर आईडी इज देयर, अब उसके अलावा सप्लायर नेम है और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं. अब जरूरी नहीं कि हर एट्रीब्यूट के अंदर आप डेटा इंसर्ट करें. एक सप्लायर 1, एक 2, एक 3, एक 4 है और नेम सपोज हम लोग इनके एबीसीडी ले लेते हैं, ठीक है. फिर उसके अलावा एक पार्ट्स टेबल है, पार्ट्स टेबल के एट्रीब्यूट्स आप देख सकते हो. पार्ट आईडी है, द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इज पार्ट आईडी और उसका कलर. चलिए तो पार्ट आईडी सपोज 10, 20, 30, थ्री पार्ट्स आते हैं, उसमें से एक पार्ट रेड है, एक पार्ट ब्लू है और एक पार्ट ग्रीन है, ठीक है. अब कैटेलॉग एक टेबल है, कैटेलॉग एक टेबल है. इस कैटेलॉग टेबल के एट्रीब्यूट से एसआईडी, पीआईडी और उसके अलावा एक और एट्रीब्यूट है बट उसकी नीड नहीं है. चलिए सप्लायर वन ने पार्ट 10 भी सिलेक्ट सप्लाई किया, सप्लायर वन ने पार्ट 20 भी सप्लाई किया. तो कैन वी से दैट कि सप्लायर वन जो है वो आपका ब्लू पार्ट सप्लाई कर रहा है? यस. सप्लायर वन नॉन ब्लू पार्ट सप्लाई कर रहा है? यस, इट ऑल्सो सप्लाई द नॉन ब्लू पार्ट, ठीक है. अब सप्लायर टू की बात करें, सप्लायर टू आपका 20 सप्लाई करता है और सप्लायर टू आपका 30 सप्लाई करता है. तो सप्लायर टू सिर्फ और सिर्फ नॉन ब्लू पार्ट सप्लाई कर रहा है, ब्लू सप्लाई कर ही नहीं रहा, ठीक है. सप्लायर थ्री है आपके पास में, सप्लायर थ्री सपोज टू बी 10 सप्लाई करता है और सप्लायर फोर जो है वो 10, 20 और 30 तीनों सप्लाई करता है. तो सप्लायर थ्री ऐसा सप्लायर हुआ जो सिर्फ ब्लू पार्ट सप्लाई करता है, सप्लायर फोर ऐसा सप्लायर हुआ जो ब्लू भी सप्लाई कर रहा है, नॉन ब्लू भी सप्लाई कर रहा है. लेट्स सी व्हाट वुड बी द आंसर, है ना. अब हम देखते हैं इस क्वारी को रन करके आंसर क्या आएगा. सबसे इनर मोस्ट क्वारी रन की, सिलेक्ट पीआईडी फ्रॉम पार्ट्स वेयर कलर इज नॉट ब्लू, तो 20 और 30 आ जाएगा, 20, 30 आ गया, ठीक है. अब इसके आगे लिखा है नॉट एन, आउटर क्वारी देखते क्या बोल रहा है. सिलेक्ट एस आई डी फ्रॉम कैटेलॉग सी वेर सी डॉट पी आई डी नॉट इन दिस, तो पी आई डी 10 इन दिस, नहीं 10 इज नॉट इन दिस, तो इसका एस आई डी ये सिलेक्ट कर लेगा, तो 1 सिलेक्ट हो जाएगा, 1 सिलेक्ट होगा. 20 इज इन दिस तो सिलेक्ट नहीं होगा, 20 इज इन दिस सिलेक्ट नहीं होगा, 30 इज इन दिस, 20 इज इन दिस, है ना, नॉट इन, है ना. तो जो नहीं है वो सिलेक्ट करना है. तो 20 इज इन दिस यस, 30 इज इन दिस यस, 10 इज इन दिस नो, सो 3 सिलेक्ट होगा. फिर 10 के करस्पॉन्डिंग क्या लिखा है बेटा, 4, सो 10 इज इन दिस नो, तो 4 सिलेक्ट होगा. सो 1, 3, 4 सिलेक्ट हो रहा है. अब इसके पहले भी क्या लिखा है, नॉट इन लिखा है, क्या लिखा है, नॉट इन. तो अब आउटर मोस्ट क्वेरी देखिए, सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम सप्लायर एस वेर एस आई डी नॉट इन. अब ये देखिए, ये एस आई डी 1 है, सो 1 इज इन दिस तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, 2 इज इन दिस नो, सो 2 इज इन योर आंसर, 2 इज इन योर आंसर, 3 इज इन दिस यस, 4 इज इन दिस यस. हमें वो सिलेक्ट करना है जो नॉट इन है, तो नॉट इन सिर्फ और सिर्फ कौन है, 2. और आप देख सकते हो कि 2 ऐसा सप्लायर है जो सिर्फ कौन से पार्ट सप्लाई कर रहा था, ओनली नॉन ब्लू पार्ट सप्लाई कर रहा था. सो इट फाइंड्स द नेम ऑफ ऑल सप्लायर हु हैव सप्लाइड ओनली नॉन ब्लू पार्ट. कैन वी गो विथ ऑप्शन सी, कैन वी गो विथ ऑप्शन सी. तो जो आप लोग ए कह रहे थे वो नहीं है, क्योंकि अगर ए ऑप्शन होता तो ए के हिसाब से नॉन ब्लू तो 1 भी सप्लाई कर रहा है, नॉन ब्लू तो 4 भी सप्लाई कर रहा है, तो 1, 2, 4 तीनों के नाम आने थे. लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है. आई बात समझ में, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो दैट्स वाई यू कैन गो विथ ऑप्शन सी, ठीक है. और देखिए हमने कंडीशन ली थी यहां पे कि हर सप्लायर को
एटलीस्ट एक पार्ट सप्लाई करना चाहिए, तो यहां से हर सप्लायर पार्ट सप्लाई कर रहा है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ एंड लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 19 सेज। ट्राई एंड टेल मी व्हाट वुड बी द आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाई करना। कैसे? तो आप देखिए यहां पे क्या दिया है बेटा, काउंट स्टार एग्रीगेट फंक्शन है, इसके साथ में आपने स्कूल नेम सिलेक्ट किया, तो आपको स्कूल नेम के ऊपर ग्रुपिंग करना पड़ेगी, लेकिन आप ग्रुपिंग किस पे कर रहे हो? स्कूल आईडी पे। हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेट फंक्शन के साथ हमें वही एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना चाहिए जिसपे ग्रुपिंग हो रही है। तो व्हाट वी कैन से, डी इज योर आंसर, दिस क्वेरी गिव्स यू नथिंग एंड इट हैज अ सिंटैक्स एरर। तो इसमें कुछ नहीं है, ये सिंटैक्स एरर देगा। तो इस टाइप का सिंटैक्स एरर के क्वेश्चन आपके ग्रुप बाय पे आ सकते हैं, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस एट्रीब्यूट पे ग्रुपिंग हो वही सिलेक्ट होना चाहिए। अगर ग्रुपिंग इनर क्वारी के ऊपर हो रही है तो इनर क्वारी में वही डेटा सिलेक्ट होना चाहिए, ग्रुपिंग आउटर क्वारी में हो रही है तो फिर आउटर क्वारी में आपको उसको वेरीफाई करना होगा। गॉट इट? चलिए लेट्स मूव ऑन दी अनादर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यस, ट्राई दिस, रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई विच ऑप्शन इज आर करेक्ट अमंग दी फोर। क्या आ रहा है ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। आपको एक रिलेशन दिया हुआ है बेटा अकाउंट, इसमें कस्टमर और बैलेंस दो एट्रीब्यूट है, वेयर कस्टमर इज द प्राइमरी की एंड देर आर नो नल वैल्यूज। वी वुड लाइक टू रैंक कस्टमर अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग बैलेंस। द कस्टमर विद द लार्जर बैलेंस गेट्स द रैंक वन एंड द कस्टमर विद द स्मॉलर बैलेंस gets the last rank. Okay, ties are not broken but ranks are escaped if exactly two customers have the larger balance, they each get rank 1 and rank 2 is not assigned. मतलब दो customers के अगर balance same है तो दोनों को हम same rank दे देंगे और एक rank को हम लोग क्या कर देंगे, skip कर देंगे। तो आपके पास दो queries दी हुई है, आपको सिर्फ ये बताना है कि customers को उनके balance के according rank ये queries दे रही है या नहीं दे रही। So both the query gives you the similar answer or not, we need to check that particular thing. Okay, so let's see here. सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात करें, you can see query 1,
के हिसाब से आपके पास एक अकाउंट टेबल है. ओके, सो यू आर हैविंग एन अकाउंट टेबल. And in this particular account table, there is a customer, and corresponding to that, there is a balance. So customer is A, B, C, D. अगर इन सभी customer का balance same है, suppose, देखिए different type का data मैं ले सकता हूँ. I am assuming that कि सभी customer का balance same है. तो मैंने एक बार account को as a A treat किया और फिर second account table है. इसको मैं एज अ बी ट्रीट कर रहा हूं. आई एम क्रिएटिंग वर्चुअल ऑफ दिस टेबल. सो कस्टमर और उसके करस्पॉन्डिंग उसका बैलेंस दिया हुआ है हमें. नाउ आई कैन सी कस्टमर इज ए बी सी डी. द बैलेंस इज 100, 100, 100 and 100 लाइक दिस. ओके, चेक करते हैं कि फर्स्ट क्वारी से क्या रिजल्ट आ रहा है एंड बाकी क्वारी से क्या रिजल्ट आ रहा है. लेट्स सी. सो आप यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वारी क्या दे रहा है. आपको सबसे पहले फॉर्म पे जाना है. अकाउंट ए और अकाउंट बी दोनों के बीच में कार्टिशन दिया हुआ है. उसके बाद कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि ए डॉट बैलेंस जो है वो लेस देन इक्वल्स टू बी डॉट बैलेंस होना चाहिए. सो कैन वी से दैट दिस 100 इज लेस देन इक्वल्स टू दिस. ए डॉट बैलेंस इज 100 इज लेस देन इक्वल्स टू दी 100. यस, फिर आपका ये 100 इससे भी लेस देन इक्वल है, ये इससे भी लेस देन इक्वल है, ये इससे भी लेस देन इक्वल है. सो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से, फर्स्ट रो इज कनेक्टेड विद ऑल द रो, सेकंड रो इज ऑल्सो कनेक्टेड विद ऑल, थर्ड रो इज ऑल्सो कनेक्टेड विद ऑल एंड फोर्थ रो इज ऑल्सो कनेक्टेड विद ऑल. फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप बाय कस्टमर करना है. तो एक ग्रुप कस्टमर ए का बन जाएगा, एक ग्रुप बी का बनेगा, एक सी का बनेगा और एक डी का बनेगा. आई बात समझ में? और सभी को रैंक क्या असाइन हो जाएगी, तो इट डिपेंड्स ऑन द काउंट बी डॉट कस्टमर. तो उसके करस्पॉन्डिंग कस्टमर्स कितने काउंट हो रहे हैं. तो फर्स्ट ए के करस्पॉन्डिंग इट इज कनेक्टेड टू द ऑल ऑफ द रो ऑफ टेबल बी. तो वन के लिए भी, ए के लिए भी वैल्यू 4 आएगी, बी के लिए भी वैल्यू 4 आएगी, सी भी 4 आएगा, डी भी 4 आएगा. तो ये सभी को क्या रैंक असाइन कर देगा, रैंक 4 असाइन कर देगा. जबकि एक्चुअली रैंक क्या असाइन करनी थी, तो रैंक असाइन हम लोगों को जो करनी थी वो था 1, 1, 1, 1. सो वी नीड टू असाइन 1 रैंक टू ऑल, बट इट असाइन 4 रैंक टू ऑल. व्हाट वी कैन से, ये सही डेटा नहीं दे रहा. ये फर्स्ट क्वारी डज नॉट गिव्स यू द करेक्ट आउटपुट. ठीक है, सेकेंड क्वारी की बात करें. सेकेंड क्वारी की बात करें तो सेकेंड क्वारी में आप लोग चेक कर सकते हैं. सेकेंड क्वारी में आप देख सकते हैं कि ए डॉट कस्टमर कॉमा 1 प्लस काउंट बी डॉट कस्टमर. यहां पे वेयर कंडीशन क्या है, ए डॉट बैलेंस इज लेस देन बी डॉट बैलेंस. तो आप देखिए इस वेयर कंडीशन के अकॉर्डिंग तो एक भी रो सिलेक्ट नहीं होगी. अब अगर एक भी रो सिलेक्ट नहीं हो रही है तो ग्रुपिंग किसकी होगी. जब वेयर में आपका एक भी रो सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो देयर डजंट एग्जिस्ट एनी ऑफ द ग्रुप. कोई ग्रुप सिलेक्ट नहीं होगा तो कस्टमर नेम के करस्पॉन्डिंग काउंटिंग में कोई वैल्यू आने वाली ही नहीं है. क्यों? क्योंकि आप ग्रुपिंग कहां पे करोगे बेटा, जहां पे वैल्यू सिलेक्ट होगी. अगर टपल सी वेयर में कोई सिलेक्ट नहीं हो रही है तो अल्टीमेटली इट गिव्स यू द नथिंग. तो यहां पे आपको एक एम्प्टी टेबल रिजल्ट में मिलेगा, एक भी रो रिटर्न नहीं होगी. तो व्हाट वी कैन से, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही करेक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं है. तो यू कैन गो विद ऑप्शन 4. नाइदर क्वारी 1 नॉर क्वारी 2 इज द करेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गिवन स्पेसिफिकेशन. तो 4 सही है. अकॉर्डिंग टू दैट कैन वी गो विद ऑप्शन सी. अब पहला स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं. क्वारी 1 विल प्रोड्यूस द सेम रो सेट एज द क्वारी 2 फॉर सम बट नॉट ऑल द डेटाबेस. तो अब अगर मैं सारी वैल्यूज को डिस्टिंक्ट लेता हूं, अगर यहां पे भी सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट लेता हूं, यहां पे भी सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट लेता हूं, तो उस केस में ये दोनों का रिजल्ट सेम आएगा. चाहे फर्स्ट क्वारी रन करूं चाहे सेकंड क्वारी रन करूं, दोनों ही सेम रिजल्ट देंगे. तो कुछ डेटाबेस के लिए रिजल्ट सेम आ रहा है, बट हर डेटाबेस के लिए रिजल्ट सेम आएगा ऐसा जरूरी नहीं है. और इस स्पेसिफिक डेटाबेस के लिए हम लोग देख सकते हैं, ना ही फर्स्ट क्वारी ने सही आंसर दिया हमें और ना ही सेकेंड क्वारी ने सही आंसर दिया हमें. आई बात समझ में? सो दैट्स वाई वॉट वी कैन से, वी कैन से दैट कि नाइदर फर्स्ट नॉर टू इज द करेक्ट इंप्लीमेंटेशन. गॉट इट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्लियर है सभी को? तो इस टाइप के जो एसक्यूएल से क्वेश्चन है ये आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो एसक्यूएल अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको याद रखना है, ये कल मॉर्निंग का टाइम है,
कल मॉर्निंग हम इस टाइम पे शुरू करेंगे सेशन, ठीक है, जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर का रिविजन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, SQL में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं या जो टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस, अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस देखे, जो मेनली क्वेश्चंस आए हुए हैं वो किसके ऊपर आए हुए हैं, बट ऑब्वियसली जॉइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइन इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो नेस्टेड क्वारी, ठीक है, उसके अलावा एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, फिर इसके अलावा ऑल, एनी, इन, एक्सेप्ट, दिस आर सम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके अलावा बेसिक क्वारीज तो ठीक है आ सकती हैं, बट अगर थोड़ा सा लेवल क्वारी का टफ जाएगा तो इसके इर्द गिर्द आपके क्वेश्चंस आएंगे। इनके अलावा यहाँ पे सेट ऑपरेशंस में आपसे यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये मेनली SQL पे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। इसके अलावा अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जाएंगे तो फिर वो SQL कंस्ट्रेंट्स के ऊपर जा सकते हैं, लाइक फॉरेन की कंस्ट्रेंट हुआ, चेक कंस्ट्रेंट हुआ ना, तो वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उस कैटेगरी के ऊपर जा सकते हैं। ऑन डिलीट कास्केड, ऑन डिलीट नल, यस बेटा वो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, रिलेशनल एलजेब्रा के अंदर इंक्लूड किया है, तो डोंट वरी वो उसमें कवर अप होगा, है ना। अभी हमने SQL के क्वेश्चंस किए रिलेशनल एलजेब्रा में, ऑन डिलीट कास्केड, ऑन डिलीट नल वाले क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर रखे, ठीक है। तो उनको मैंने इसलिए बोला कॉन्सेप्चुअल, ये प्रोग्रामिंग एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने किए, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो रिलेशनल एलजेब्रा के अंदर है, तो वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए, सो हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद फिर हम सेशन को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। सो विल टेक अ ब्रेक फॉर टेन टू फिफ्टीन मिनट, ओके, एंड ऑल ऑफ यू कम बैक टू सेशन, ठीक। इसके बाद जो अपकमिंग टॉपिक्स हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ER डायग्राम, रिलेशनल एल्जेब्रा, इंडेक्सिंग, ये तीन टॉपिक्स हमारे बाकी है, ठीक है। सो 10:25 पे विल रिज्यूम दिस सेशन।
चलिए एक बार चेक कर लीजिए मैं वॉइस क्लियर टू ऑल और नॉट, ऑडियो वीडियो क्लियरिटी है सभी को? चलिए एक बार चेक कर लीजिए मैं वॉइस क्लियर टू ऑल। ओके नाउ आई कैन सी द क्वेश्चन नंबर वन इज ऑन योर स्क्रीन। 2020 में क्वेश्चन पूछा था, ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके व्हाट वुड बी आंसर ए। चलिए सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सपोर्टिंग मेनी टू वन रिलेशनशिप ऑफ द वीक एंटिटी सेट इन द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो मेनी टू वन रिलेशनशिप जो वीक एंटिटी सेट में हम लोग बनाते हैं उसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट विद द हेल्प ऑफ डबल डायमंड जिसको हम लोग आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कहते हैं। तो डबल डायमंड कह सकते हैं या बोल्ड डायमंड कह सकते हैं। तो कैन वी गो विद ऑप्शन ए is the diamond with double or bold border, okay? So A is your answer. A is your answer. Chale, let's move on the second question. Try to identify which of the following is correct option for this. Read kare question ko aur bataiye. So, क्या दिया है? In an entity relationship model, suppose R is a many to one relationship from entity set E1 to entity set E2, okay? So, आपके पास एक entity set E1 है, एक entity set E2 है, और R आपको एक many to one relationship दिया हुआ है between them, like this, okay? Assume that E1 and E2 participate totally in the relation R, दोनों का ही total participation है, E1 is cardinality of E1 is greater than the cardinality of E2, ये भी दिया हुआ है। Which one of the following is true about the relation R? अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? अगर total participation है, इसका मतलब है कि minimum participation from both the side is 1. अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो E1 का जो एक entity है, वो E2 की maximum, यहाँ कितना लिखा हुआ है 1, तो maximum 1 entity से connect हो सकता है, और E2 का 1 entity E1 की maximum M entity से connect हो सकता है, like this। अब पढ़ते हैं Every entity in E1 is associated with exactly one entity in E2. So yes, every entity in E1
इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू वन एंटिटी, क्योंकि वन टू मिनिमम भी वन है, मैक्सिमम भी वन है, इसका मतलब है कि एग्जैक्टली एक एंटिटी से वो कनेक्ट होगा. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आपको बोल रहा है कि सम एंटिटी ऑफ E1 इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन एंटिटी इन E2. नहीं, E1 का एग्जैक्टली वन है, तो ये गलती हो गया ना. ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, एवरी एंटिटी इन E2 इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एंटिटी इन E1. नहीं, इफ यू आर इट हियर, तो यहां से आप देखें तो E1 की मल्टीपल एंटिटी से कनेक्ट हो सकता है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. एवरी एंटिटी इन E2 इज एसोसिएटेड विद एटमोस्ट वन एंटिटी, नो, मिनिमम वन, मैक्सिमम मेनी, तो ये भी गलत है. तो यू शुड गो विद ऑप्शन ए, यू शुड गो विद ऑप्शन ए. गॉट इट? सो ए इज योर आंसर. चलिए, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3 एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई विच इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन समझ नहीं आया, चलिए देख लेते हैं क्या है. एन ईआर मॉडल ऑफ द डेटाबेस कंसिस्टिंग ऑफ एंटिटी टाइप ए एंड बी. आपके पास दो एंटिटीज दी हुई है, एक एंटिटी ए है, दूसरा एंटिटी बी है, ठीक है. उसके साथ में क्या बोला है, दिस आर कनेक्टेड बाय द रिलेशनशिप आर, एक रिलेशन आर से कनेक्टेड है, विच डू नॉट हैव इट्स ओन एट्रीब्यूट, मतलब रिलेशन आर के कोई एट्रीब्यूट नहीं है. Under which of the following condition can the relational table R be merged with A? तो जो relation table R है वो A के साथ merge कब होगी? तो देखिए simple सा concept है. हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो relationship है, अगर वो many to many relationship होता है, तो relationship की अलग से table बनाते हैं, ठीक है? अब अगर B के attributes, B की primary की और relation को अगर मुझे ए के साथ मर्ज करना है, तो वो कंडीशन कब होगी, जब ये रिलेशनशिप मेनी टू वन टाइप का रिलेशनशिप होगा, मींस मेनी टुवर्ड ए एंड वन टुवर्ड बी. तो वन का जो प्राइमरी की है वो मेनी की टेबल में एज अ फॉरेन की चले जाएगा, तो जो रिलेशनशिप है वो टुवर्ड ए क्या हो जाएगा, आपका मर्ज हो जाएगा, बिल्कुल. सो व्हाट वी कैन से, सो वी कैन से दैट की रिलेशनशिप इज आर वन टू मेनी, नहीं, मेनी टू वन होना चाहिए. सो आर इज मेनी टू वन and participation of A in R is total. अब देखिए हालांकि total participation नहीं होता है, तो भी हम लोग क्या करते हैं, इधर ही की साइड मर्ज करते हैं. बट अगर आपको ऑप्शन में total दिया हुआ है, तो you can go with the total. अगर total participation है, it would be best. बट अगर नहीं है, तो भी हम लोग उसकी मर्जिंग तो करते ही हैं. तो you can go with option C. C is more appropriate कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे. Let's move on the question number 4. चलिए, ये क्वेश्चन की आप बात कर रहे थे जो फॉरेन की के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है. ट्राई इट एंड टेल मी व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस. सो रीड करें केयरफुली और बताइए.
यस वी कैन गो विथ सी एंड डी बोथ. ट्राई फॉर दिस. देखिए इस क्वेश्चन के लिए लेट्स सी, आपको टेबल टी वन एंड टेबल टी टू दी हुई है. टेबल टी वन में एट्रीब्यूट से पी क्यू एंड टेबल टी टू में एट्रीब्यूट से आर एस. इन टेबल टी वन पी इज द प्राइमरी की, पी प्राइमरी की है और यहाँ पे क्यू फॉरेन की है जो आर को रेफर कर रहा है. यहाँ आर प्राइमरी की है, एस फॉरेन की है जो पी को रेफर करता है. ठीक है, अब कंडीशन क्या दी हुई है, क्यू इज अ फॉरेन की रेफरिंग आर इन टेबल टी टू विथ ऑन डिलीट कास्केड एंड ऑन अपडेट कास्केड. ठीक है, तो क्यू जो है वो आर को रिफर कर रहा है ऑन डिलीट कास्केड ऑन अपडेट कास्केड कंस्ट्रेंट के साथ में. इन टेबल टी टू आर इज द प्राइमरी की एंड एस इज अ फॉरेन की इन पी रिफरेंसिंग पी इन टेबल टी वन विथ ऑन डिलीट सेट नल. यहां पर ऑन डिलीट नल के साथ ये रिफर कर रहा है. अब अगर मैं 38 को डिलीट करता हूं टेबल टी वन से, सो हाउ मेनी एडिशनल रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड फ्रॉम द टेबल टी वन. तो देखिए 38 अगर हम डिलीट करते हैं तो जो रेफरेंस्ड या मतलब जो फॉरेन की कंटेंट है उसके डिलीट होने से कोई दिक्कत नहीं होती, बट जो प्राइमरी की कंटेंट है 3 इसके डिलीट होने से इश्यू होता है. क्यों? क्योंकि इसको कोई रेफर कर रहा है, इसको कौन रेफर कर रहा है, एस. तो यहां पर जहां वैल्यू 3 लिखी हुई है उसके साथ हमें कुछ करना होगा. क्या करना है, तो यहां पर लिखा है ऑन डिलीट सेट नल, तो आप इसको सिंपली नल सेट कर देंगे. मींस वी आर नॉट गोइंग टू डिलीट एनी ऑफ दी रो. तो नंबर ऑफ एडिशनल टपल्स दैट इज डिलीटेड इज 0. सो योर आंसर इज 0. सो एडिशनल एक भी रो यहां पे डिलीट नहीं होगा बेटा. देयर इज नो एडिशनल रो इज गोइंग टू डिलीट. आपको 38 यहां से डिलीट करना है. अब 8 के डिलीट करने से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये क्या है, ये फॉरेन की का डेटा है. प्राइमरी की का डेटा डिलीट होता है तो दिक्कत है. तो ये 3 डिलीट हुआ इससे दिक्कत है. इसको रिफर कौन कर रहा था, ये 3 रिफर कर रहा था. ये 3 कौन सा है, ऑन डिलीट नल के साथ, तो यहां पे नल सेट कर देंगे. देन योर आंसर इज 0. तो 2 नहीं आएगा, 0 आएगा. गॉट माय पॉइंट? सो योर आंसर इज 0. चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.
चलिए, आपके पास क्या दिया हुआ है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, E1 और E2 आर कनेक्टेड विद द मेनी टू वन रिलेशनशिप, E1 E2 कनेक्टेड विद द रिलेशन, इट इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप R12, एंड E1 E3 आर कनेक्टेड विद 1-2 many रिलेशनशिप विद R13. E1 हैज टू सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, और उसके बाद E2 में भी सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है और E3 में भी सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट ही है, रिलेशनशिप के कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है. अब अगर हम इस रिलेशनल मॉडल को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और रिलेशन की जो टेबल्स है वो 3NF में होती है, तो कितनी टेबल्स बनानी है? तो देखिए, यहाँ पे कोई भी मल्टीपल एट्रीब्यूट तो है नहीं, तो तीन टेबल्स तो बनेगी E1 E2 और E3 की. अगर कोई मल्टीपल एट्रीब्यूट होता तो उसकी अलग से टेबल बनाते, बट नहीं है तो कोई और टेबल नहीं बन रही है. बट एक रिलेशन जो है वो मेनी टू मेनी रिलेशन है, सो वी नीड टू मेक अ टेबल फॉर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप ऑल्सो. सो द नंबर ऑफ टेबल इज 4. नंबर ऑफ टेबल इज 4. सो 4 इज योर आंसर. 4 आंसर आएगा आप लोग का, ठीक है. यस, प्रीवियस में से 83 बिट इसलिए डिलीट नहीं किया क्योंकि प्राइमरी की को डिलीट कर रहे थे, उसके करस्पॉन्डिंग जो रेफरेंस टेबल में डेटा था वहां पे ऑन डिलीट नल लिखा था ना, तो डिलीट करने पे वहां वैल्यू नल करनी है. अब जब नल करना है तो एडिशनल रो डिलीट ही नहीं होगी, इसलिए डिलीट नहीं किया था प्रीवियस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा, ठीक है. ओके, लेट्स मूव ऑन दिस क्वेश्चन. द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की फॉर द रिलेशन आर वेर ई इज अ की. कितनी सुपर कीज होंगी यहां पे? ई आपका की है. टेल मी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एट आ जाएगा, बिल्कुल. सो ई कंपलसरी है, उसके बाद बाकी तीन एट्रीब्यूट्स बचे, सो 2 to the power 3 कितना होगा? 8. यू कैन गो विथ आंसर डी. तो डी आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल. सो डी इज योर आंसर. लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 7 एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा बताइए. टेल मी, टेबल क्लियर शो नहीं हो रहा है, चेक करो बेटा एक बार. आपका मोबाइल में उसका रेजोल्यूशन बढ़ाओ, शायद दिखेगा, क्योंकि मुझे तो यहां से विजिबिलिटी है टेबल का. ओके, चले. आपसे बोला है कि स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज का जो कॉम्बिनेशन है वो की है, सो एक्स की क्या वैल्यू पॉसिबल नहीं है. तो स्टूडेंट नेम इधर है और एज इधर है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन अगर की है तो इट शुड बी डिस्टिंक्ट, वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए. सो शंकर 19 यहां पे है, यहां पे भी शंकर लिखा हुआ है. अगर मैं x का वैल्यू 19 पुट कर दूंगा तो रिपीटेड कंटेंट हो जाएगा, तो x का वैल्यू 19 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है. सो द वैल्यू ऑफ x इज एनीथिंग एक्सेप्ट 19. ओके, सो यू कैन गो विथ ऑप्शन बी. तो सिंपली बी पे टिक कर दीजिए आप. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 2012 में पूछा था. गिवन द बेसिक ईआर रिलेशनल मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ये हमें बताना है. विच इज इनकरेक्ट, व्हाट इज योर आंसर? सी, ठीक है.
सो एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन हैव अ मोर देन वन एट्रीब्यूट, यस इट इज कॉल्ड अ मल्टीवर्ड एट्रीब्यूट. एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन बी कंपोजिट, यस इट इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट. इन अ रो ऑफ रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव अ मोर देन वन वैल्यू, ये फॉल्स है क्योंकि आपका जो रिलेशनल टेबल होता है उसमें एक सेल में एक ही वैल्यू होनी चाहिए. एक सेल में आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करोगे तो वो एटॉमिक नहीं रहेगा, और एटॉमिक नहीं रहेगा तो मतलब वो टेबल की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि टेबल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ईच सेल शुड बी एटॉमिक. तो सी जो है वो आपका फॉल्स है, सी जो है वो फॉल्स है. लास्ट बोल रहा है इन अ रो ऑफ रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव एग्जैक्टली वन और नल वैल्यू, यस तो आप ब्लैंक सेल छोड़ सकते हैं या एक वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट हम लोग नहीं कर सकते. सो यस योर आंसर इज सी, सी इज योर आंसर. ओके लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9. एग्जैक्टली देयर आर टू क्वेश्चंस, 9 और 10 दो क्वेश्चंस आपको दिए हुए, दोनों सेम डेटा के ऊपर है. फर्स्ट क्वेश्चन 9 में आपको पूछा है कि हाउ मेनी टेबल्स आर देयर, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल करेस्पॉन्डिंग टू दिस ईआर डायग्राम, और सेकंड क्वेश्चन में पूछा है उस टेबल का कंटेंट क्या होगा. तो नंबर ऑफ टेबल्स कितनी है और हर टेबल का कंटेंट आइडेंटिफाई करो इस ईआर डायग्राम के लिए. सो ऑल ऑफ यू ट्राई इट एंड टेल मी व्हाट इज आंसर. देखिए ईआर डायग्राम पे क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, जनरली 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है. ये 2003 था जिसमें 4 मार्क्स पे क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन और 2 मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ईआर डायग्राम 4 मार्क्स 2003 में आया था, एक्सेप्शनल था, इतना ज्यादा वेटेज पे तो नहीं आएगा. हाँ लेकिन 1 मार्क्स पे जरूर एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है यहां पे. सो देखिए आप देख सकते हैं यहां पे एक ये जहां एरो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो इट इज 1 टू मेनी रिलेशनशिप, इट इज ऑल्सो 1 टू मेनी रिलेशनशिप. सो इन दैट कंडीशन व्हाट वी कैन से, रिलेशनशिप की कोई टेबल नहीं बनेगी. सो हाउ मेनी टेबल्स आर देयर, देयर इज ओनली 3 टेबल्स. सो 3 टेबल होंगी आपकी, एक एम का, एक पी का और एक एन का. सो योर आंसर इज 3. एम के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, तो उसकी खुद के एट्रीब्यूट्स, और ये 1 टू मेनी रिलेशनशिप है तो जो पी की प्राइमरी की है वो इधर चली जाएगी एज ए फॉरेन की. ठीक है, पी के एट्रीब्यूट्स P1 P2. अब आप देख सकते हैं ये वीक एंटिटी है, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी का जो प्राइमरी की है मतलब P1 और इसका खुद का जो पार्शियल की है, ये दोनों मिलके एज ए प्राइमरी की काम करेंगे एन के लिए, और इसके साथ इसका एक और एट्रीब्यूट जो N2 है वो भी आ जाएगा. सो देयर आर 3 टेबल्स MPN और उसके साथ ये एट्रीब्यूट्स आपके होंगे. गॉट इट, इज इट ओके. चलिए सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एट्रीब्यूट सेट फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, ओके फॉर वन ऑफ द टेबल. तो हम ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं, ये जो एट्रीब्यूट है ये आपको टेबल एम में मिलेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए हो गया, इजी ही क्वेश्चन था. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की. ट्राई करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. ओके क्या रहा है आपका ऑप्शन सी.
चलिए ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि हमें टेबल में से 2-4 वाली टपल को डिलीट करना है, वी वांट टू डिलीट दिस टपल, ठीक है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ए जो है वो प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की है, और सी जो है वो फॉरेन की है, जो खुद ए को रेफर कर रही विथ ऑन डिलीट कास्केट, विथ ऑन डिलीट कास्केट, ठीक है। तो अब हम लोग 2-4 को डिलीट करेंगे, तो 2 के डिलीट करने से इशू होगा। तो जब ये 2 कहां पे, आप देखिए इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, अब ऑन डिलीट कास्केट मतलब ये दोनों रो डिलीट करनी होगी, दोनों रो डिलीट करी, तो यहां से 5 और 7 डिलीट हो रहा है। अगेन प्राइमरी की से जब 5 और 7 डिलीट होगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग फॉरेन की से डेटा डिलीट करना पड़ेगा, तो फॉरेन की में 5 आ रहा है, ये भी डिलीट होगा, 7 तो कहीं नहीं है, फिर 9 डिलीट हुआ, 9 और कहीं नहीं है, तो अल्टीमेटली वी नीड टू डिलीट दिस 3 एडिशनल टपल्स। सो वी कैन गो विद ऑप्शन सी कि ये 3 एडिशनल टपल्स हम लोग को और डिलीट करना पड़ेगी। गॉट इट? चलिए, सो सी इज योर आंसर। लेट्स ट्राई द क्वेश्चन नंबर 12। 2005 में आपसे इस क्वेश्चन को पूछा था, बताइए क्या होगा इसका आंसर। नंबर ऑफ टेबल्स कितना बनेगा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट ईआर डायग्राम टू द रिलेशनल मॉडल। तो देखिए आपको क्या दिया है, लेट ई1 ई2 बी द 2 एंटिटीज इन द ईआर डायग्राम विद अ सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, आर1 आर2 इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस। तो 2 एंटिटी सेट है ई1 ई2 और इनके बीच में 2 रिलेशनशिप है, एक रिलेशनशिप है आर1 और एक रिलेशनशिप है आर2। एक रिलेशनशिप जो है वो 1 to many है और दूसरा रिलेशनशिप मेनी टू मेनी है। तो देखिए एक टेबल E1 का बनेगा, एक टेबल E2 का बनेगा, R1 का कोई टेबल नहीं होगा, बट देयर इज अ टेबल फॉर द R2 बिकॉज इट इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। सो द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स दैट वी नीड टू डिजाइन इज 3। सो 3 इज योर आंसर। तो मिनिमम 3 टेबल्स तो आपको बनानी पड़ेगी यहां पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 13। Try this one and tell me what would be answer for this question. थर्टीन का क्या आ रहा है, सी, ठीक है। सो कंसिडर द एंटिटी होटल रूम एंड अ पर्सन एंड देर इज अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप दैट इज द लॉजिंग एज शोन इन बिलो इफ यू विश टू स्टोर द इंफॉर्मेशन रेंट पेमेंट। तो रेंट पेमेंट जो एट्रीब्यूट है वो किसका होना चाहिए, किस टेबल का। देखिए रेंट पेमेंट कब होता है, जब पर्सन होटल में रुकेगा। सो व्हाट वी कैन से, जब तक ये रिलेशनशिप नहीं बनेगा रेंट पेमेंट का एग्जिस्टेंस नहीं है। सो दिस इज द एट्रीब्यूट ऑफ लॉजिंग टेबल, यू कैन गो विथ ऑप्शन सी। इजी ही क्वेश्चन था, लेट्स ट्राई दिस वन।
कितना आ रहा है आंसर? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल फॉर दिस? एक टेबल तो आपका ए1 का हो जाएगा, दैट कंसिस्ट एट्रीब्यूट ए11, ए12, ए13, ए11 इज अ की। एक टेबल ए2 का बनेगा, दैट कंसिस्ट एट्रीब्यूट ए21, ए22। अब 1-2 मेनी रिलेशनशिप है तो इसका प्राइमरी की इधर आ जाएगा एज अ फॉरेन की, एंड दिस इज अ टेबल फॉर ए23। सो क्योंकि ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है ना, तो इसकी भी एक टेबल और हमें बनानी पड़ेगी। सो द नंबर ऑफ टेबल्स आर 3, यू कैन गो विथ ऑप्शन बी, 3 टेबल्स आपको यहां पर डिजाइन करना होगी, ठीक है? सो 3 इज योर आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ट्राई इट एंड टेल मी व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। In ER model, Y is dominant entity and X is subordinate entity. Y dominant है और X जो है वो क्या है आपकी? Subordinate है। तो इनमें से कौन सा option सही होगा? देखिए डोमिनेंट का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा इट इज हम लोग कह सकते हैं कि वाई आपके पास अगर एक बेस टेबल है और एक्स आपके पास डेराइव टेबल है, तो किस में से कंटेंट डिलीट करेंगे तो दिक्कत है। अगर हम वाई में से कुछ कंटेंट को डिलीट करते हैं तो एक्स में से वो कंटेंट ऑटोमेटिकली डिलीट होना चाहिए। So can we go with option B? If Y is deleted, then X also be deleted. If Y is deleted, then X also be deleted. Got it? Screen of okay. 1 minute, but I will check. आवाज चेक करें बेटा, एक बार चेक इट वंस। अभी देखो आवाज आ रही है क्या? ओके यस, हाँ। सो ड्यू टू द पावर फेलियर अभी क्लास हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, वही बताने के लिए मैं आया था, ठीक है? तो दो टॉपिक हम लोग के बचे, एक टॉपिक आपका रिलेशनल एलजेब्रा वाला, रिलेशनल एलजेब्रा टीआरसी वाला, और एक टॉपिक है आपका इंडेक्सिंग। तो ये दो टॉपिक हो रहे हैं, तो आई विल टेक वन मोर मैराथन ओवर दिस। तो कल तो हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं टीयूसी, तो हम लोग उसको शुरू करेंगे।
ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो इस सैटरडे में कवर अप करूंगा, ठीक है। तो सैटरडे के दिन एक मैराथन लेके और बाकी के डीबीएमएस के दो टॉपिक्स में कवर अप कर लूंगा, ठीक है। तो विल डू दैट, क्लियर है। चलिए, सो कल मॉर्निंग आप लोग का क्लास है 7, उसमें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का रिविजन शुरू कर रहे हैं। टुमारो मॉर्निंग इज द फर्स्ट सेशन, तो आप सभी लोग उस सेशन को जरूर अटेंड करेगा। और कल इवनिंग 8 PM पे भी हम लोग न्यू टॉपिक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, तो वो सेशन भी आप कल इवनिंग में जरूर अटेंड करेगा। डीबीएमएस के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है विल डू दैट ऑन द दिस सैटरडे, ठीक है। चलिए, सो ऑल ऑफ यू बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.